and then we'll move on to the classical dances folk dances and fairs of festivals of india now ye culture mein aata hai then we'll talk about the heritage where we'll talk about important heritage monuments in india and the unesco world heritage sites to in sub topics ko hum detail mein discuss karenge starting with the culture now culture kya hota hai culture कहते हैं कि किस जो जिंदगी गुजारने का तरीका होता है द वे ऑफ लाइफ स्पेशली कि लोगों के क्या बिलीफ्स हैं लोगों के क्या रीति रिवाज हैं किन चीजों में लोग बिलीफ रखते हैं क्या क्या उनके रीति रिवाज है कैसे कपड़े पहनते हैं कैसी लैंग्वेज है उनकी वो सारे कल्चर में आते हैं सो इन कल्चर वी टॉक अबाउट द वैल्यूज वी टॉक अबाउट फूड एंड ड्रिंक की सोसाइटी में किस तरह का खाना खाया जाता है किस तरह का वहां पे आर्ट है आर्ट्स में आपके वहाँ पे म्यूजिक कैसा है फोक डांसेस कैसे हैं वी टॉक अबाउट टूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स या फिर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि उस सोसाइटी में किस तरह के टूल्स यूज होते हैं किस तरह की टेक्नोलॉजी है वो भी उसके कल्चर में कंसिडर की जाती है ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स रीति रिवाज वो भी कल्चर में आते हैं लैंग्वेज वो भी आपके कल्चर में इंक्लूडेड है तो इस तरह के सारे जो एस्पेक्ट हैं वो कल्चर के अंदर कवर होते हैं hmm. Now, अगर हम कल्चर की बात करेंगे तो कल्चर डिसाइड करता है कि सोसाइटी में कौन सी चीज एक्सेप्टेबल होगी और कौन सी चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी तो वो उसको हम कल्चरल नॉर्म कहते हैं कल्चरल नॉर्म मतलब ये कि कौन सी चीज कल्चरली नॉर्मल मानी जाती है और कौन सी चीज़ टैबू मानी जाती है तो जिस तरह का कल्चर होगा उसी तरह के वहां पे लोगों का बिहेवियर होगा उनका ड्रेस होगा उनकी लैंग्वेज होगी तो वो सारा जो है वो कल्चर डिसाइड करता है तो किसी भी सोसाइटी के ये एस्पेक्ट्स फूड आर्ट एस्पेक्ट्स है इसमें हम ज़्यादा में नहीं जाएंगे से उतना कल्चर एंड हेरिटेज नब कलर जो है ये एक डेवलप इसकी जो डेवलपमेंट होती है वो धीरे धीरे टू टाइम होती रहती है बी के जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके पास जो कल्चर था वो कल्चर उन्होंने उस उनके पहले जो आए थे उनके जो प्रेड्यूसर्स थे उनसे लिया था फिर जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने कुछ चीजें उनके कल्चर में ऐड की कुछ चीजें डिलीट की तो इस तरह से वो कल्चर जो है थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया फिर हमने अपने एनसेस्टर्स से वो कल्चर इनहेरिट किया तो हमें हेरिटेज में वो कल्चर मेरा वो कल्चर फिर हम अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करेंगे जो चीज़ें हमें लगेंगी कि वक्त के हिसाब से जो है वो बदलनी चाहिए वो बदल देंगे हम और जो चीजें आगे ले जानी है वो आगे हम आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर करेंगे नाउ हेरिटेज जो है इसमें इम्पोर्टेंट नाउ कल्चर जो है इसमें इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि ये जो प्रोसेस है ये टू हेरिडिटी या हेरिटेज एज हेरिटेज पास होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इसकी एग्जाम्पल यू नो आज कल आप देखते हो कि लास्ट टू टू थ्री डेकेड्स में हमारे कल्चर में कितना चेंज आया है बहुत सारी चीज़ें जो है कल्चरल थिंग्स जो हैं वो हम भूल चुके हैं या फिर हमारे कल्चर से धीरे धीरे वो खत्म हो रही है क्योंकि नई नई चीजें जो है वो नई नई कल्चरल थिंग्स आर गेटिंग ब्लेंडेड इन टू आवर कल्चर फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें बहुत सारी चीज़ें या टूल्स जो हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं वो भी कल्चर में आएंगे तो कल्चर जो है उसमें मटीरियल चीजें भी आती हैं और उसमें इम चीजें भी नॉन मटीरियल चीजें भी आती हैं मटीरियल चीजें मतलब हम किस तरह का खाना खाते हैं हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं किस तरह के टूल्स हम यूज करते हैं तो वो हमारा मटीरियल कल्चर लाइक समावार जिसमें आप चाय बनाते हो दैट्स दैट अटीरियल कल्चरल थिंग इन इंडिया इन कश्मीर लेकिन जो हमारी लैंग्वेज है कश्मीरी दैट इज नॉट अ मटीरियल थिंग दैट्स नॉन मटीरियल कल्चर दैट्स अ पार्ट ऑफ नॉन मटीरियल कल्चर तो कल्चर में दोनों मटेरियल चीजें भी आती है और नॉन मटेरियल चीजें भी आती हैं नाउ जो कल्चरल हेरिटेज की जब हम बात करते हैं तो ये दोनों चीजें ट्रांसफर होती हैं बोथ मटेरियल एज वेल एज द नॉन मटेरियल कल्चर अगर हम मटेरियल कल्चर की बात करेंगे हमारी जो हमारा जो कल्चर है वी हैव जो हमें हमें कल्चर जो मटेरियल कल्चर में जो हमें हेरिटेज में मिला है जो हमें एंसेस्टर से मिला है इंडिया के अंदर वी हैव द में है रेड फोर्ट आगरा के अंदर है दिल्ली इज मीनार माइसोर पैलेस कर्नाटक में है जैन टेम्पल ऑफ दिलवाड़ा ये राजस्थान में है गोल्डन टेम्पल अमृतसर इस तरह के जो आपको मोनोमेंट दिखते हैं ये हमारा जो ये हमारा कल्चर है दे आर अ पार्ट ऑफ आवर मटीरियल कल्चर और ये हमें मिले हैं फ्रॉम आवर एनसेस्टर्स इन हेरिटेज नाउ इंडियन कल्चर की अगर हम बात करें इंडियन कल्चर इट्स कंसडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एंशंट कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत पुराना है ऑन द बेस ऑफ अगर मैं एक्सकवेशन की बेस पे बात करें वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाईजेशन जो इंडिया के जो इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया है उसमें जो पाई जाती है वी सी हरप्पा एंड मोहन जदारो सिविलाईजेशन जो कि थ्री थाउजेंड बी सी के अराउंड यहाँ पे इन दस रिवर के अराउंड फ्लरिश हुई थी Now, हम कह सकते हैं कि तीन साल वो हो गए बिफोर बीसी एंड उसके बाद जो है दो, दो हजार साल हो गए तो टोटल तो हम वी कैन सेल्चर इज नाउ नब और भी बहुत सारे पुराने एंशंट कल्चर्स रहे हैं लाइक वी हैव द इजिप्शियन सिविलाइजेशन रही है ग्रीक्स रोमन उनकी भी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन रही है बीसी इजिप्ट में हम देखते हैं कि वो पिरामिड्स वो कितने पुराने हैं तो सिविलाइजेशन वहां पर भी रही है लेकिन उनका कल्चर जो है वो प्रिजर्व नहीं रहा है अगर हम इंडिया के कंपैरिजन में देखेंगे इंडियन कल्चर इस बहुत सारी चीजें इंडियन कल्चर में वो जो है वो उस टाइम से चलती आ रही है लेकिन ग्रीक या रोमन्स का जो कल्चर है वो खत्म हो गया था वो डिस्ट्रॉय हो गया था विद टाइम ना इंडियन इंडियन कल्चर में होता है वो आज भी अलाइव है और बहुत सारी चीजें जो है वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं जो चार हजार या पाँच हजार साले साल पहले हुआ करती थी like, लाइक विलेज पंचायत या कास्ट सिस्टम या जॉइंट फैमिली सिस्टम ये तब भी हुआ करता था और ये कल्चरल चीज़ें जो है आज की सोसाइटी में भी इंडिया में पाई जाती है। हैं वैसे हम देखते हैं कि जो बुद्धा महावीरा या कृष्ण जी की जो टीचिंग्स थी जो आज से 2000, 4000 या 5000 साल पहले की जो टीचिंग्स है वो आज भी इंडिया के लोगों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है या हम कह सकते हैं कि इंडिया के कल्चर में आज भी उनका हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है अगर हम इंडियन कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें वी सी द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज द सेंस ऑफ हार्मनी इंडियन कल्चर में एक चीज मानी जाती है कि जो मटेरियल एंड नॉन मटेरियल चीजें हैं उनके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए कोई भी इंसान है उसको मटीरियल वेलबींग well का भी देखना है और स्पिरिचुअल वेलबींग का का भी देखना है उसको ये भी देखना है कि मुझे लाइक मटेरियल चीजें कैसे कमानी है लेकिन ये भी उसको देखना है कि मुझे अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ स्पिरिचुअल वेलबींग को कैसे देखना है वो भी ये दोनों चीजें जो है इन दोनों के बीच में एक हारमोनी होनी चाहिए तो इंडियंस इंडियंस जो जो होते हैं जो है इंडियन कल्चर में इन दोनों को इंपॉर्टेंस दी जाती है इज द टॉलरेंस टॉलरेंस मतलब इंडिया में हम देखते हैं देर आर न्यूमरस रिलीजन न्यूमरस कास्ट न्यूमरस कम्युनिटीज तो इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी एक दूसरे के लिए टॉलरेंस है लिबरल है एक दूसरे के लिए कि एक दूसरे को एक्सेप्ट किया जाता है एक दूसरे के साथ मिलके

डेप्ट करना सीखा है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इन्होंने इंडियन कल्चर में ऐड हुई बहुत सारी चीजें जो है वो डिलीट हुई क्योंकि वक्त जो है वक्त उस टाइम पे डिमांड करता था किसी आ, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट का डिलीट होना और किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट का ऐड होना तो वक्त के साथ साथ इंडियन कल्चर ने अडेप्ट भी किया इस वजह से ये इंडियन कल्चर आज भी जिंदा है लाइक इट वाज थ्री और फोर थाउजेंड ईयर्स करना इंडिया का जो कल्चर है वो जो यहाँ पे बाहर से जो कल्चर्स आए थे लाइक बाहर के यहाँ पे मुगल्स आए थे उनसे पहले बाहर के बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने यहाँ पे रूल भी किया था तो उनका कल्चर जो है उसको भी एक्सेप्ट किया उसको भी रिसीव किया इंडियन कल्चर ने उसकी जो अच्छी चीजें उसमें थी वो एक्सेप्ट की वो इंक्लूड हुई इंडियन कल्चर में इस वजह से रिसेप्टिविटी भी एक कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन कल्चर की देन वी आर द स्पिरिचुअलिटी एज आई सेड की इंडियन कल्चर में स्पिरिचुअलिटी या सोल को एक्सेप्ट किया जाता है उसकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया जाता है इट्स बिलीव की और हमारा मकसद जो है वो कंफर्ट नहीं होना चाहिए राधर वी शुड बिलव इन ये हमारा मकसद ये होना चाहिए और हमारा मकसद अल्टीमेट एम हमारी क्या है राधर on इंडिया के कल्चर कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि यहाँ के कल्चर पर रिलीजन का बहुत इंपैक्ट रहा है यूसी कि यहाँ के लोग जो है उनका खाना पीना उनका उनके जो कपड़े हैं वो कहीं ना कहीं उनके उनका रिलीजन डिसाइड करता है तो इंडिया के रिलीजन में इंडिया के कल्चर में रिलीजन की का डोमिनेंस रहा है तो जो डिफरेंट स्क्रिप्चर्स हैं रिलीजियस स्क्रिप्चर्स लाइक वी हैव द कुरान बाइबल या हमें वेदाज उपनिषदाज पुराना एट्सट्रा जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है उनका इम्पेक्ट रहा है इंडियन कल्चर के ऊपर नेक्स्ट इज थॉट अबाउट करमा एंड री इनकारनेशन इंडिया में मोस्टली इफ यू टॉक अबाउट नो नॉन मुस्लिम फेथ में इन वी टॉक अबाउट हिंदुइज्म और बुद्धिज्म उनमें हमें देखने को मिलता है कि कारमा या री इनकारनेशन इन दोनों का हमें आ, इन दोनों को माना जाता है कारमा मीन्स कि जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा ये मुस्लिम्स में भी माना जाता है देन वी है आपको फिर से जिंदा होना है ना री इनकारनेशन का थोड़ा तो मुस्लिम है और जो हिंदू या बुद्धिस्ट हैं उनमें थोड़ा डिफरेंट है लेकिन दोनों का मानना है कि जब आप एक बार मरोगे आपको फिर से जिंदा होना है तो कारमा एंड री इनकारनेशन ये दोनों चीजें जो है इंडियन कल्चर में मानी जाती है देन द आइडियल ऑफ ज्वाइंट फैमिली इंडिया में आज भी ज्वाइंट फैमिली को आइडियलाइज किया जाता है आज भी लोग जो है वो पसंद करते हैं टू लिव इन ज्वाइंट फैमिली इवन यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे अब छोटी फैमिलीज भी बट वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा कि पीपल स्टिल आइडियालाइज जॉइंट फैमिली देन वी आर द कास्ट सिस्टम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ इंडियन कल्चर इज दैट इज अ कास्ट जो पहले भी था आज भी है धीरे धीरे कम हो रहा है बट स्टिल इट इज देर अराउंड टू थाउजेंड कार्स और उसकी भी फिर उसके बाद सब कास्ट है तो इस तरह से हमें कास्ट हम देखने को मिलता है इंडियन कल्चर के अंदर देन द लास्ट वन इज द यूनिटी इन डाइवर्सिटी इवन दो इंडिया जो है एक डाइवर्स कल्चर्स का बना हुआ है लाइक जोग्राफी डिफरेंट है डिफरेंट कास्ट डिफरेंट क्रीड डिफरेंट लैंग्वेज की बनी हुई है कंट्री है बट स्टिल बी सी की इंडिया जो है वी हैव इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है लेकिन यूनिटी है नाउ विल टॉक अबाउट द इंडियन क्लासिकल डांस दिस द मोस्ट इंपॉर्ट एस्पेक्ट अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी हैं आई डोट थिंक उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा बट यहाँ से जो चीजें हम पढ़ेंगे उनमें से क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस है ना बिफोर गोइंग इन टू द इंडियन क्लासिकल डांस वी शुड नो अबाउट वॉट द डिफरेंस इज बिटवीन क्लासिकल डांस एंड द फोक डांस नाउ डांस क्या होता है डांस आपको पता ही होगा जब हम अपनी बॉडी की कुछ एक पर्टिकुलर स्टाइल में मोवमेंट करते हैं वी कॉल दैट डांस

बट फोक डांस ये इसमें स्पिरिचुअलिटी कॉन्सेप्ट नहीं है इट्स रियली एसोसिएटेड विथ सेलिब्रेटिंग डिफरेंट मे बी कोई एक पर्टिकुलर फेस्टिवल होगा उसको सेलिब्रेट करना या सोशल गैदरिंग लाइक वी है वेडिंग्स वेडिंग्स को सेलिब्रेट करने के लिए या एग्रीकल्चरल हार्वेस्ट जब uh, हार्वेस्ट किया जाता है तो उस टाइम को सेलिब्रेट करने के लिए फोक डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं तो क्लासिकल डांसिस जो होते हैं अगर इसमें हम पहला एस्पेक्ट देखेंगे इट्स के क्लासिकल डांस का ओरिजिन अगर हम देखेंगे इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नृत्य शास्त्र नृत्य शास्त्र एक परफॉर्मिंग आर्ट्स पर लिखी हुई बुक है जिसको लिखा था एक एक सेंचुरी बीसी के सेंट थे जिनका नाम था भरत मुनी, भरत मुनि मुनि ने लिखी थी तो उसमें उन्होंने आ, लिखा था क्लासिकल तो वहीं से कहीं ना कहीं ये क्लासिकल डांस है ये हुए थे। तो दो एस्पेक्ट होते हैं क्लासिकल डांस में वी हैव हाँ इनको हम आगे देखेंगे कोई भी क्लासिकल डांस जब परफॉर्म किया जाता है उसमें एक तो अगर फीमेल परफॉर्म करती है फॉर एग्जाम्पल आपको बताइए कि फीमेल जब डांस करती है तो उसका डांस और जो मेल का डांस होता है उनमें डिफरेंस होता है क्योंकि जो फीमेल का डांस होता है वो यूजली सॉफ्ट होता है उसमें मूवमेंट्स जो होती है वो यूजली स्मूद होती है उसमें आपको उतना जो विगरस मूवमेंट्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन जब मेल ले परफॉर्म करता है उसमें आपको ऑब्वियसली जो मूवमेंट्स होते हैं वो जो हायर टेम्पो पे होते हैं फास्ट होती हैं या आपको विगरस वहां पे डांस स्टेप्स देखने को मिलते हैं तो जो फीमेल कॉम्पोनेंट होता है डांस का जो स्लो मूवमेंट्स होती हैं जो ज्यादातर जो मैच करती हैं विद द फीमेल एस्पेक्ट उसको हम लास्य कहते हैं और जो मेल के साथ मिलती है उसको हम तांडवा कहते हैं इसको हम आगे देखेंगे अगर फोक डांस की बात करें तो फोक डांस इसका कोई ऐसे कोई लिटरेचर में नहीं रहा है या किसी एक इंसान ने इसको मतलब फॉर्मलाइज करके एक इस, इसको किसी किताब में नहीं लिखा है फिर उसकी टेक्निक्स जो है वो नहीं बनाई है ये लोगों के साथ मतलब विद टाइम लोगों ने खुद ब खुद ये डेवलप होती गई लाइक like, लोगों की जैसी जिंदगी रही होगी वैसे ये फोक डांसेस जो है ये बनते रहे कभी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लोगों का जो म्यूजिक जैसे डेवलप होता रहा लोगों के बीच या सोसाइटीज में जैसे जैसे लोगों की सिचुएशन रही होगी वैसे वैसे ये फोक डांसेस भी बनते रहे जैसे मैंने बताया कि जो क्लासिकल डांसेस होते हैं ये यूजुअली स्पिरिचुअलिटी के साथ एसोसिएटेड होते हैं लेकिन फोक डांसेस जो होते हैं यह ज्यादातर सोशल गैदरिंग्स लाइक वेडिंग्स या फेस्टिवल्स like पे परफॉर्म किए जाते हैं इंपॉर्टेंट एक और एस्पेक्ट है कि जो क्लासिकल होते हैं वो ज्यादा टेक्निकल होते हैं क्लासिकल में टेक्निकल टेक्निकल एस्पेक्ट्स एस्पेक्ट्स होते होते हैं उनमें strict technical aspects होते हैं उनमें स्ट्रिक्ट जो फॉलो करने पड़ते हैं तो हम टेक्निकली मान सकते हैं कि जो क्लासिकल डांस है दैट्स टेक्निकली मोर डिमांडिंग उसमें टेक्निकलिटी की जरूरत पड़ती है लेकिन फोक डांसिस जो होते हैं वो फ्री होते हैं और फनियर होते हैं मतलब उसमें आपको किसी एक पर्टिकुलर सिक्वेंस स्टेप्स को फॉलो या परफॉर्म नहीं करना पड़ता आप फ्री होते हो वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है स्टेप्स की वो उतना स्ट्रिक्टली अगर फॉलो नहीं भी करो चलेगा तो यूजुअली दे आर मोर फ्री एंड फनियर दैन द क्लासिकल डांसेस क्लासिकल डांसेस जो होते हैं वो ग्रेसफुल होते हैं दिखने में ज्यादा अच्छे लगते हैं और वो कंपोज होते हैं इन कंपोज फोक डांसेस फोक डांसेस में यूजली आपको जोश देखने को मिलेगा एनर्जी देखने को मिलेगी लोगों की क्लासिकल डांसेस जो होते हैं वो प्रोफेशनल्स परफॉर्म करते हैं और क्लासिकल डांस को सीखने के लिए आपको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है तो हाईली ट्रेन डांसर्स जो होते हैं जिन्होंने उस क्लासिकल डांस को स्टडी किया होता है बहुत सारे सालों तक वो स्टडी करते हैं तभी जाके वो परफॉर्म कर पाते हैं फोक डांस जो होते हैं यूजली वो कॉमन पीपल परफॉर्म करते हैं उसको सीखने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है अगर हम क्लासिकल डांसेस की बात करें देर आर नाइन क्लासिकल डांसेस इन इंडिया हम आगे देखेंगे नाइन है कि आठ है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा वी हैव लाइक कथक जो नॉर्थ इंडिया में परफॉर्म किया जाता है सतारिया इज एन क्लासिकल डांस दैट परफॉर्मड इन असम भरतनाट्यम तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है कथक कली एंड मोहिनी आत्म ये केरला में परफॉर्म किया जाते हैं मणिपुरी ये नॉर्थ ईस्ट मणिपुर में परफॉर्म किया जाता है ओडिसी इन ओडिशा एंड चाउडांस इन ईस्ट इंडिया फोक डांसेस बहुत सारे हैं लाइक वी हैव द गूमर जो राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है जूमर हरियाणा में परफॉर्म किया जाता है डांडिया गुजरात में लाइक वी हैव द लवानी डांस जो महाराष्ट्र में परफॉर्म किया जाता है इस तरह से बहुत सारे हर एक स्टेट में फोक डांसेस हैं तो इनको हम आगे दोनों को डिस्कस करेंगे विल टॉक अबाउट बोथ क्लासिकल एज वेल एज फोक डांस सो हम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द क्लासिकल डांस क्लासिकल डांस को पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पता होनी चाहिए विल स्टार्ट विद टू इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया क्लासिकल डांसेज कि अगर हम लिटरेचर में देखेंगे तो दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, दो इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स हैं, जिनमें क्लासिकल डांसेस के बारे में लिखा गया था जो सोर्स बनी इन क्लासिकल डांसेस का फर्स्ट था नृत्यशास्त्र नृत्यशास्त्र एक बुक है या एक स्क्रिप्चर है जो परफॉर्मिंग आर्ट्स पे लिखी हुई है ये लिखी गई थी भाई भारत मुनि भारत मुनि एक सेंट थे

देन वी हैव द नटराजा जो की आइडल है शिव जी का और ये जो है ये सिंबल माना जाता है ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसेस ऑफ शिवजी शिवजी यहाँ पे आपको दिखेंगे और डांस हि uh, आपको एक यहाँ पे उनका एक पोस्टर दिखेगा एक पर्टिकुलर पोस्टर में है तो ये जो है इसको नटराजा कहते हैं इस आइडल को इस मूर्ति को एंड दिस आइडल और मूर्ति इज नोन टू बी द सिंबल ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस अब जो इशारे किए जाते हैं हाथों से जो इशारे किए जाते हैं हाथों है, की जो मूवमेंट होती है बॉडी को जो अलग अलग पोस्टर्स में लाया जाता है अलग अलग पोजिशन में लाया जाता है लाइक यहाँ पे एक पर्टिकुलर पोस्चर में ये बॉडी है फिर अब ये हाथों को या अपने पैरों को जब मूव करेंगे तो दूसरे पोस्टर में आ जाएंगे तो किस तरह से ये हैंड्स को मूव किया जाता है किस तरह जो हैंड हाथों के जो इशारे होते हैं या बॉडी पोस्टर्स होते हैं उनको मुद्रा कहते हैं तो मुद्रा से आपको पता चलना चाहिए ये हैंड जेस्टर्स बॉडी जस्टर्स को कहते हैं देन वी हैव टू इंपॉर्टेंट कहना है द तांडवा 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 द हम कहते हैं जो मेल एस्पेक्ट्स होते हैं डांस के तो जो मर्दाना एस्पेक्ट्स होते हैं जो जब मेल पर डांस परफॉर्म करता है तो यूजुअली हम देखते हैं कि वहां पे विग्रस स्टेप्स विग्रस मूवमेंट्स होती हैं जो मोर स्ट्रॉन्गर फील देता है हमें

Now, जब भी क्लासिकल डांस परफॉर्म किया जाता है एक तो होता है जो डांस स्टेप्स होते हैं बेसिक डांस स्टेप्स मतलब हाथों को मूव करना पैरों को मूव करना बॉडी को मूव करना तो जो स्टेप्स होते हैं डांस स्टेप्स उनको नृत्य कहा जाता है एनआरआई टी टी ए नृत्य सेकेंड इज की उसमें सिर्फ बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं किया जाता क्लासिकल डांस का एक इंपॉर्टेंट फीचर यह भी है कि एक्सप्रेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेट है तो जो एक्सप्रेशन

एक प्ले भी होता है वो सिर्फ डांस परफॉर्मेंस नहीं होती बल्कि वो एक प्ले भी होता है उसमें एक कहानी भी सुनाई जाती है तो वो जो ड्रामेटिक कॉम्पोनेंट होता है जो वो कहानी सुनाई जाती है उस डांस को नट्या नत्या कहते हैं नाउ आई होप कि जो भी क्लासिकल डांस हम आगे पढ़ेंगे उनमें आपको ये तीन चीजें दिखेंगी एक तो एक ड्रामेटिक कॉम्पोनेंट होता है जो एक कहानी सुनाई जाती है एक ड्रामा एक कॉम्पोनेंट होता है उसको नत्या कहते हैं जो बेसिक डांस स्टेप होते हैं मतलब हाथ मुंह करना पैर मुंह करना दैट इज द नृत्य एंड द नृत्य इज द एक्सप्रेशनल कॉम्पोनेंट तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए यू शुड नो अबाउट दीज टर्मनोलॉजी गेट विद देम आपको आगे समझने में आसानी होगी Now, अगर हम क्लासिकल डांसेस की बात करेंगे नौ यहाँ पे शायद बहुत सारे बच्चों ने कहा था लास्ट टाइम कि सर आठ ही क्लासिकल डांस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की अगर आप बात करोगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्लासिकल डांसेस को रिकॉग्नाइज करती है सो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया देर नाइन क्लासिकल डांस लेकिन अगर हम संगीत नाटक अकेडमी की बात करें दे रिक्नाइज ऑनली एट क्राउ डांस एक ईस्ट इंडिया का डांस वो उसको रिकोगनाइज नहीं करते हैं सो इन पेपर अगर आपको वहां पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यू शुड नो देसिकल डांसेज

देन वी have आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है तमिलनाडु में भरतनाट्यम है केरला में दो डांसेज हैं, वन इज द कथकली कली एंड सेकंड इज द मोहिनी याथम सो ये नो क्लासिकल डांस यू शुड नो अबाउट their origins और किस स्टेट में परफॉर्म किए जाते हैं यू शुड नो अबाउट विल we'll do it again. We start with the first one कथक जो कि उत्तर प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है द सेकंड वन आसम दैट इस सतारिया थर्ड वन मणिपुर में दैट इज मणिपुरी फोर्थ वन उड़ीसा में फिथ वन झारखंड एंड ईस्ट इंडिया में मोस्टली ये परफॉर्म किया जाता है वेस्ट बंगाल उड़ीसा में भी चाउ डांस परफॉर्म किया जाता है लेकिन इसका ओरिजन झारखंड में है देन आंध्र प्रदेश में वी हैव कुचिपुड़ी सेवेंथ वन वी हैव द भारतनाट्यम जो तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है केरला के अंदर वी हैव टू वन इज कथकली एंड सेकेंड इज द मोहिनी यातम इनको हम वन बाईन डिस्कस करेंगे भारतनाट्यम भारतनाट्यम जो है इट्स द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ ऑल द डांस फॉर्म जितनी भी हमने डांस फॉर्म पढ़नी है क्लासिकल डांस फॉर्म्स उनमें सबसे पुरानी भारतनाट्यम है भारतनाट्यम जो है इसका नाम जो अगर आप देखोगे इसमें भारत है और नाट्यम है तो सम पीपल बिलीव कि भारत जो है ये भारत मुनि से लिया गया है भारत मुनि मैंने आपको बताया था इन्होंने ना, इन्होंने नृत्य शास्त्र लिखी है जो ये बेसिकली एक परफॉर्मिंग आर्ट्स की एक बुक है एक स्क्रिप्चर है तो इन्हीं से भारत लिया है भारत मुनि से भारत आया और नाट्यम का मतलब होता है तमिल में डांस तो इन दोनों वर्ड्स को मिला के भारतनाट्यम बनाया है लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये भाव राग और ताल से बनाए है तो भाव राग और ताल ये म्यूजिक के तीन एस्पेक्ट्स होते हैं म्यूजिक और डांस में आते हैं भाव राग एंड ताल तो भाव से, भा, राग से रा और ताल से ता ऐसे भारत बना और फिर भारत नाट्यम नाट्यम आगे डांस जोड़ दिया तो भारतनाट्यम बन गया तो ये दोनों ओरिजिनेट के हो सकते हैं अगर हम भारतनाट्यम की बात करें तो भारतनाट्यम कहा से ओरिजिनेट हुआ ये कौन परफॉर्म करता था पहले तो पहले ये देवदासीज परफॉर्म करती थी देवदासीज क्या होती है ये टेम्पल डांसर्स हुआ करती थी पहले एंशंट इंडिया में जो टेम्पल्स होते थे वहां पर कुछ लड़कियां होती थी जो टेम्पल में डांस करती थी उनको देवदासीज कहा जाता था ज्यादातर तमिलनाडु में साउथ इंडिया में प्रोमिनेंट था तो इस वजह से इस डांस को हम दाशियातम भी कहते हैं तो दाशी ये दासी से निकला है देवदासी तो दाशियातम या फिर साधिर डांस इस नाम इस नाम से भी नाट्यम को जाना जाता है ये आर्ट जो है ये धीरे धीरे खत्म हुआ क्योंकि आज की डेट में हम देखते हैं वी डोंट सी एनी देवदासीज

ना अगर हम प्रेजेंट डे फॉर्मेट की बात करें आज की डेट में जो भारतनाट्यम का रिसाइटल होता है रिसाइटल मतलब जब अगर आपने क्लासिकल डांस कभी देखे होंगे उनके पीछे एक रिसाइटल होता है पीछे एक सॉन्ग सॉन्ग आप मान सकते हो या वोकल होते हैं जैसे अपने कथक में सुना होगा पीछे वो बोलता है डाक दिन दाक ऐसे वो पीछे बोलता रहता है एक इंसान होता है नट वो हम आगे देखेंगे तो उसको हम रिसाइटल कहते हैं तो जो रिसाइटल है भारतनाट्यम का जब डांस परफॉर्म किया जाता है ऑब्वियसली पीछे म्यूजिक भी होता है और एक इंसान वोकल्स भी होते हैं उसके वो बोलता भी है है तो वो जो है, वो जो आज की डेट में तंजोर कॉटरेट ने फ्रेम किया था अब ये तंजोर कॉटरेट क्या है अब तंजोर कॉटरेट क्या है तंजोर कॉटरेट बेसिकली ये चार भाई थे एक का नाम था पुनिया सेकंड वाज चिनिया थर्ड वाज शिवानंदम एंड थर्ड वाज वधिवल्लू ये चार भाई थे ये तंजोर में रहते थे तंजोर सेंचुरी में तो इन्होंने भारतनाट्यम को रिवाइव किया तो क्लासिकल डांस के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है और इन्होंने ही जो आज की डेट में जो भारतनाट्यम का रिसाइटल होता है वो इन्होंने ही फ्रेम किया था तो किस तरह से वो पीछे से वो बोलता है या पीछे से जो भी वो गाता है वो किस फॉर्मेट में होगा वो किस तरह से गाया जाता है आज की डेट में वो इन्हीं ने डिवाइस किया था जिनको तंजोर क्वार्टरेट क्वार्टरेट के नाम से जाना जाता है क्वार्टेट चार को कहते हैं तंजोर मतलब तंजोर सिटी के चार क्वार चार को कहते हैं तो ये चार बाई थे देन अगर हम इनके भारतनाट्यम के कुछ फेमस फेमस प्रपोनेंट की बात करेंगे फेमस प्रोपोनट मतलब जिन्होंने इस आर्ट को आगे बढ़ाया जिन्होंने इस डांस फॉर्म को आगे बढ़ाया उसमें वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट द रुक्मिणी देवी अरुणेल ये आपको याद रखना है वी हैव हाँ यामिनी कृष्णा मूर्ति वी हैव हाँ लक्ष्मी विश्वनाथम वी हैव हाँ पद्म सुब्रमण्यम वी हैव हाँ मृणाली सारा एंड मलिका सारा तो याद रखना है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें रुक्मिणी देवी अरुणेल है इसमें मृणाली साराभाई मलिका सारबाई है, वी हैव हाँ यामिनी कृष्णा मूर्ति ये भी इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होनी चाहिए नाव यहाँ पे आपको फेमस प्रपोनेट आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट फॉर हार्ड डांस बट यहाँ पे आपको याद रखना है फॉर भारतनाट्यम फॉर कुचिपुड़ी ये इंपॉर्टेंट है फॉर कथक कली एंड फॉर कथक ये इंपॉर्टेंट है ये चार का आपको पता होना चाहिए फॉर भारतनाट्यम कुचिपुड़ी कथक कली एंड कथक ये चार इंपॉर्टेंट है इनके प्रोपोनेंट्स का नाम आपको याद होना चाहिए ना भारतनाट्यम को फायर डांस भी कहा जाता है बिकॉज ये जो इसकी जो मूवमेंट्स होती है इस डांस में वो डांसिंग फ्लेम की तरह होती है तो जिस तरह फ्लेम मूव करती है जो भारतनाट्यम में जो परफॉर्मर होता है वो उसी तरह

लेकिन हम देखते हैं कि आज की डेट में इसको एज ग्रुप डांस भी परफॉर्म किया जाता है एंड इनफैक्ट इन 2020 फरवरी 8 2020 ट्वेंटी दुनिया का सबसे बड़ा भारतनाट्यम ग्रुप डांस परफॉर्म किया गया था बाय 10,176 पार्टिसिपेंट्स इन तमिलनाडु देन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ये डांस परफॉर्म किया जाएंगे अब हम ये देखेंगे कि ये डांस परफॉर्म किया कैसे जाता है फर्स्ट थिंग इज की जब ये डांस परफॉर्म किया जाता है यूजुअली इसमें जो नीज होती हैं वो बेंट होती हैं ऑलमोस्ट आउट द परफॉर्मेंस नीज जो होती है वो बाहर की तरह आपको इस तरह से बेंट मिलेंगी एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज की जो इमोशंस होते हैं वो डिपिक्ट किए जाते हैं वया मुद्राज मुद्रा मतलब हैंड जेस्टर्स से या बॉडी पॉस्चर्स से इमोशंस डांसर अपनी जो इमोशंस है वो डिपिक्ट करता है देन इसमें एक इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट इसका फीचर है मुद्राज के थ्रू इमोशंस बताए जाते हैं किए जाते हैं इसमें एक इंपॉर्टेंट जेस्टर है एक इंपॉर्टेंट मुद्रा है जिसे हम कहते हैं कटमुख हस्त हस्त आपने सुना हस्त हैंड को कहते हैं तो कटमुख हस्त जो है ये इस तरह का एक जेस्टर हैंड जेस्टर है जिसमें हाथों तीन उंगली को मिलाया जाता है और इस तरह से एक हैंड जेस्टर बनाया जाता है एज यू कैन सी इन द पिक्चर इसको हम कहते हैं कटमुख हस्त ये हैंड जेस्टर जो है ये सिंबलाइज करता है ओम क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो dances, जो क्लासिकल है ये स्पिरिचुअलिटी के साथ एसोसिएटेड होते थे ये यूजली जो है दे डिपिक्टेड या एक गॉड के साथ कनेक्ट होने के लिए यूज किया जाते थे तो इस वजह से जब ओम डिपिक्ट करना होता है तो ये एक सिंबल बनाया जाता है एक हैंड जेस्टर बनाया जाता है दैट्स कॉल्ड द कटमुख शास्त्र दा इसमें जो भारतनाट्यम में जो, भारत जो पीछे म्यूजिक बचता है दैट बिलोंग्स टू द कर्नाटिक म्यूजिक सिस्टम अलग अलग म्यूजिक सिस्टम है वी हैव द कर्नाटिक म्यूजिक सिस्टम वी हैव द हिंदुस्ती म्यूजिक अलग अलग म्यूजिक्स हैं तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है जब ये भारतनाट्यम परफॉर्म किया जाता है तो दैट बिलोंग्स टू द कर्नाटिक म्यूजिक देन इज थिंग कि जो म्यूजिशियंस पे कंपनी करते हैं किसी भी डांस के तो पीछे म्यूजिशियंस भी होते हैं एक वोकलिस्ट होता है वोकलिस्ट जिसको मैंने बताया जो रिसाइड करता है जो पीछे से मतलब जो आवाज निकालता है उसको हम वोकलिस्ट कहते हैं एक ड्रम प्लेयर होता है ड्रम प्लेयर होता है दैट्स द मृदंगम मृदंगम बेसिकली एक पर्टिकुलर स्टाइल का ड्रम होता है दैट तो उसका एक, एक प्लेयर होता है उसका भी वो उस ड्रम को प्ले करता है एक फ्लूटिस्ट एक वायलिनिस्ट भी होता है या फिर एक वीना प्लेयर तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो प्ले किए जाते हैं इसमें एक वोकलिस्ट होता है एक ड्रम प्लेयर होता है जो ड्रम जिसको हम मृदंगम कहते हैं और फ्लूटिस्ट या वायलिनिस्ट प्लेयर भी होता है देन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें एक नटू वनर होता है नटू वनर क्या होता है ये डांस कंडक्टर होता है

इट विद द फर्स्ट स्टेज पहले स्टेज को अलरिपू कहते हैं सेकंड वन इज जटी स्वरा थर्ड इज द शब्द फोर्थ इज द वर्णम वर्नमिफ इज द पदम इज द जवाली एंड सेवंथ इज द थिलाना नाउ आपको ये सारे याद नहीं रखने आई डोंट थिंक ये पूछे जाएंगे बट यू शुड नो दैट द फर्स्ट वन इज अलिपू एंड द लास्ट वन इज थिलाना तो अलरिपू इज द फर्स्ट स्टेप और द फर्स्ट स्टेज ऑफ भरतनाट्यम और जो लास्ट जब परफॉर्मेंस खत्म होती है तो लास्ट का स्टेज जो होता है वो थिलाना होता है ये होती है डांस स्टेप की और इसमें सिंपल पोजे दिए जाते हैं जब एक डांसर अपनी डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट करता है तो फिर दूसरा स्टेज स्टार्ट होता है जिसे जतीशवारा कहते हैं जतीशवारा में सिर्फ डांस होता है इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं होते प्योर डांस होता है इसमें कोई भी किसी तरह की एक्सप्रेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी बाय द परफॉर्मर थर्ड द शब्दा शब्दा के अंदर डांसर जो है वो धीरे धीरे एक्सप्रेशन इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है तो अब वो सिर्फ डांस नहीं करता है धीरे धीरे वो आपको एक्सप्रेशन भी दिखेंगे वो अपने चेहरे से या दूसरे तरीके से एक्सप्रेशन आपको दिखेंगे Then we have the वर्नम वर्णम वर्णम जो है ये कोर होता है डांस परफॉर्मेंस का ये बीच में आप देख सकते हो बीच में आता है फोर्थ नंबर पर ये कोर होता है दिस कोर ऑफ द परफॉर्मेंस इसमें डांस इमोशन सब कुछ होता है देन वी हैव द पदम पदम में फिर एक स्टेज आता है दैट्स कॉल्ड पदम. पदम में क्या होता है कि म्यूजिक धीरे धीरे लाइट होने लगता है और डांस जो है वो इमोशनल होने लगता है देन वी हैव द जवाली जवाली में छोटे छोटे लव लिरिक्स परफॉर्म किए जाते हैं यूजलीट फास्ट अर टेम्पो थोड़ा टेम्पो अब तेज होने लगता है देन वी आर द लास्ट वन दैट कॉल्ड थाना थिलाना जो है इसमें भी प्योर डांस होता है और इसमें हाई स्प्रिटेड डांस मूवमेंट होती है डांस होता है ऐसा जिसमें आपको लगता है कि नहीं मतलब एनर्जेटिक डांस मूवमेंट होती है दिस इज द लास्ट वन तो इसमें आपको याद रखना अलरीपू द फर्स्ट स्टेज ऑफ भरतनाट्यम डांस एंड द लास्ट वन इज द थिलाना देन विल मोव द सेकंड कुी अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कुचीपुरी आंध्र प्रदेश से निकला था सो so, कुचीपुरी जो है ये मेजर डांस फॉर्म है जो आंध्र प्रदेश से ओरिजिनेट हुई थी एंड इट ग्रू लार्ज एज ए प्रोडक्ट ऑफ बक्ति मूवमेंट सेवेंथ सेंचुरी एडी में इंडिया में अंदर एक रिलीजियस मूवमेंट चली थी भक्ति मूवमेंट उसी भक्ति मूवमेंट के साथ ये भी डेवलप हुआ द कुचिपुरी डांस कुरी अगर आप नेम देखोगे ये नाम निकला है फ्रॉम द कुचिलापुरम या फिर कुशिला इन दो नामों से निकला है ये विलेज का नाम था वहां पर कुछ उस टाइम पे जो ग्रेट स्कॉलर ग्रेट आर्टिस्ट थे इस आर्ट के इन्होंने इसको नर्शर किया डेवलप किया फ्रॉम दिस विलेज Then we have the central theme of this dance जो होता है वो भगवत पूर्णा की स्टोरीज के राउंड होता है तो ये आपको याद रखना है कि जो बीट क्लासिकल डांसेस होती हैं उनमें कुछ कहानियां बताई जाती हैं डांस के थ्रू कहानियां बताई जाती हैं तो यहाँ पे कुी में जो डांस में जो कहानियां बनाई बताई जाती हैं वो कहानियां भगवत पुराना स्क्रिप्चर से या इस किताब से ली जाती हैं इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें जो फुट मूवमेंट होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं तो एक इंपॉर्टेंट फीचर है कुचिपुड़ी का कि इसके फुट मूवमेंट जो होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं यहां पे जब आप देखोगे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वो आपको एक डांस के स्टेप्स के बारे में बताएंगे मे बी दे टेल यू इस डांस के अंदर डिफिकल्ट फुट मूवमेंट्स होते हैं तो आपको बताना है कि ये कौन सा डांस है तो आप एक तो ये पता होना चाहिए कि डांस कौन सी स्टेट से निकला है दूसरा ये पता होना चाहिए कि इसमें किस तरह के स्टेप्स होते हैं क्या यूनिक फीचर्स हैं किस तरह का गेटअप होता है परफॉर्मर का और ये भी पता होना चाहिए कि इसके प्रोपोनेंट्स कौन थे इस फील्ड में या इस डांस परफॉर्म इस डांस आर्ट के कौन से फेमस प्रोपोनेंट्स रहे हैं देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें भी आपको डायनेमिक्स ऑफ मूवमेंट्स मतलब मूवमेंट और फीलिंग्स एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स के ऊपर खास ध्यान दिया जाता है इसमें भी ये दोनों चीजें होती हैं कुपुड़ी में भी कर्नाटिक म्यूजिक होता है लाइक वीस ऑफ भरतनाट्यम भारतनाट्यम में भी कर्नाटिक म्यूजिक पीछे चलता है यहाँ पे भी कर्नाटिक म्यूजिक ही चलता है कुचिपुड़ी ये भी सोलो परफॉर्म किया जा सकता है डिवेट दो भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं या ग्रुप में भी इसको परफॉर्म किया जा सकता है और हिस्टोरिकली इट वाज एज अ डांस ड्रामा जैसे मैंने बताया ये एक कहानी सुनाई जाती है थ्रू डांस कुचिपुड़ी के बारे में और कुछ जानते हैं कुचिपुड़ी में जो कुछ सोलो एलिमेंट है कुछ पॉपुलर सोलो एलिमेंट्स है उनमें है मैंडक शब्द मतलब कुछ इंपॉर्टेंट कहानियां आप मान सकते हो जो ये इसके थ्रू सुनाई जाती है या कुछ इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेज है जो परफॉर्म की जाती है इसमें है मैंडक शब्दम मेंढक शब्दम एक ऐसी परफॉर्मेंस है कुचिपुड़ी की जिसमें एक फ्रॉग की एक मेंढक की कहानी सुनाई जाती है दूसरी एक इसमें एक दूसरी एक कहानी सुनाई जाती है कॉल्ड तरंगम या इसके स्टाइल या दूसरी एक टाइप की परफॉर्मेंस है कुचिपुड़ी में जिसमें जो डांसर होता है वो एक प्लेट के अंदर प्लेट के ऊपर अपने आप को बैलेंस करता है और फिर अपने सिर पे यूजली पॉट ऑफ वाटर या फिर सेट ऑफ दिया दि, दियो का एक सेट अपने सिर पर बैलेंस करता है इसको हम कहते हैं तरंगम इसके अलावा वी हैव हाँ इसकी एक अनदर आप मान सकते हो एक अलग टाइप एक और टाइप की इसकी परफॉर्मेंस है दैट्स कॉल्ड जलचित्र नृत्यम तो चित्र जो है चित्र कहते हैं पिक्चर को तो जलचित्र नृत्यम का मतलब होता है नृत्य डांस को कहते हैं तो जब डांसर जो है अपनी डांस uh, परफॉर्मेंस के दौरान अपने पैरों से अपने जो उसके टोज होते हैं टोज से वो नीचे एक पिक्चर बनाता है उस परफॉर्मेंस को हम कहते हैं जलचित्र तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए ये तीन तरह की परफॉर्मेंसेज हैं जो कुचिपुड़ी में परफॉर्म की जाती है ये कुछ पॉपुलर है इसमें इंपॉर्टेंट है कि इस डांस को फॉर्मलाइज किया और इसको किया बाई सिन्द्र योगी सिद्धेंद्र योगी ने इसको एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज किया ताकि एक पर्टिकुलर सिस्टम या पर्टिकुलर वे में लोग इसको सीख सके और इसको आगे बढ़ाया जा सके यहाँ पे जैसे हमने वहां पे देखा था कृष्णा अय्यर इन भरतनाट्यम कुचिपुड़ी को रिवाइव किया लक्ष्मी नारायण शास्त्री जी ने तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री ब्रॉट बैक द कुचिपुड़ी डांस जो डिक्लाइन होने लगा था इसके कुछ फेमस प्रोपोन की बात करते हैं वी हैव राधा रेड्डी राजा रेड्डी यामिनी कृष्ण मूर्ति एंड इंदिरा रहमानी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है राधा रेड्डी राजा रेड्डी यामिनी कृष्णा मूर्ति एंड इंदिरा रहमानी भी आपको याद रखने आई टोल्ड यू कुचिपुड़ी के इंपॉर्टेंट प्रपोनेंट याद रखने हैं कथक कली अगर आपको याद होगा मैंने बताया था केरला के अंदर एक यूनिक पे पेंट लगा हुआ है गियर इसका थोड़ा सा यूनिक है इसके सिर पे भी कुछ लगा हुआ है, हेलमेट सा और यहाँ पे इसके एक्सप्रेशन तो आपको लगेंगे कि ड्रामेटिक एक्सप्रेशन इसके सर पे है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन इसके चेहरे पे आपको दिख रहे होंगे तो कथकली जो है कथकली साउथ इंडिया में इवॉल्व हुआ वहां पे पहले से जो कुछ रिलीजियस फॉर्म्स थी लाइक वहां पे कुडियातम या कृष्णतम ये कुछ थिएटर की फॉर्म्स थी जो एग्जिस्ट करती थी साउथ इंडिया में उन्हीं से इवॉल्व हुई कथकली तो कथक कली जो है ये क्लासिकल डांस है केरला का और कथा का मतलब होता है स्टोरी और कली का मतलब होता है ड्रामा तो जैसे हमने देखा कुचिपुड़ी भी एक तरह से एक ड्रामा डांस परफॉर्मेंस होती है वैसे ही काथक कली भी एक ड्रामा डांस परफॉर्मेंस होती है इसमें भी एक कहानी सुनाई जाती है ट्रू डांस नाउ स्टोरीज जो इसमें सुनाई जाती है वो रामायण और महाभारत से होती है वैसे मैंने अभी बताया था पिछली बार ये भी आपको याद रखना है कुचिपुड़ी में किसकी कहानियां सुनाई जाती है और इसमें किसकी कहानियां सुनाई जाती है तो कथक में रामायण और महाभारत से कहानियां सुनाई जाती हैं अब यहाँ पे यूजुअली ये ओपन एयर थिएटर में परफॉर्म किया जा सकता है या टेंपल के अंदर भी परफॉर्म किया जा सकता है इसमें जो लाइटिंग है वो ब्रास लैंप्स से की जाती है ब्रास ब्रास लैंप्स होते होते हैं होते हैं दिए के बने हुए उनसे लाइटिंग की जाती है है जब ये परफॉर्म किया जाता कथकली की एक इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका जो परफॉर्मर होता है वो स्पीचलेस होता है वो चुपचाप बैठा होता है वो बस अपने आईब्रोज अपनी आईज से या अपने दूसरे फेशियल एक्सप्रेशन से आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन देता है उन एक्सप्रेशन से वो अपनी कहानी सुनाता है ना यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे चेंडा प्ले किया जाता है चेंडा एक तरह का ड्रम ही होता है जो प्ले किया जाता है और साथ में यहाँ पे दो सिंगर्स होते हैं जो बैकग्राउंड में आ, में सिंग करते हैं और उनके हाथ में सिंबल्स होते हैं जो मैंने अभी बताया था जो छोटे छोटे दो प्लेट्स होती है जिनको वो एक दूसरे के टकरा के एक एक तरह से आप मान सकते हो वो म्यूजिक क्रिएट करते हैं तो लाइक वाइज जैसे ऑलमोस्ट वहां पे था सेम लगभग यहाँ पे भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपको इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट याद रखना है दैट इज चेंडा छेंडा या चेंडा ये एक ड्रम होता है जो कि कथकली में यूज किया जाता है चूंकि कथकली जो है ये केरला में परफॉर्म किया जाता है और केरला की जो लैंग्वेज है दैट्स मलयालम केरला में मलयालम बोली जाती है इस वजह से इसमें जो कथकली के पीछे के जो सॉन्ग्स होते हैं जो वोकल्स होते हैं पीछे के वो सॉन्ग्स यूजुअली आपको मलयालम या फिर संस्कृत वर्ड्स उसमें आपको देखने को मिलेंगे कथकली में डांस भी होता है म्यूजिक भी होता है ड्रामा भी होता है एक्टिंग भी होती है और ड्रामेटाइज किया जाता है स्टोरीज को स्टोरीज जो इसमें सुनाई जाती है वो ड्रामेटिक मैनर में सुनाई जाती है सुनाई क्या मतलब परफॉर्म की जाती है इसकी एक इंपॉर्टेंट या डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये भी है कि इसमें फेशियल मास्क होती हैं आपको यहाँ पे दिखेगा कि ग्रीन कलर का मास्क पहना हुआ है यूजली पेंट किया जाता है फेस के ऊपर कॉस्ट्यूम इसका बड़ा यूनिक होता है मेकअप बहुत होता है और मूवमेंट्स भी इसकी अलग होती हैं जो उसको डिफरेंशिएट करती हैं बाकियों से इसमें हेड गियर भी होता है हेड के ऊपर लगा हुआ यहाँ पे आप हेलमेट दिखेगा, दिखेगा ये भी डिफरेंट होता है Now, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कि एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये भी है है जो कथकली है, कथकली डांस डांस में आईज और आईब्रोस से बहुत ज्यादा इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है तो ये जो परफॉर्मर होता है ये अपनी आंखों को ऐसे मतलब आंखों को बड़ा करेगा फिर छोटा करेगा तो अपनी एक्सप्रेशन को ये अपनी फीलिंग्स को आंखों के जरिए या आईब्रोज की मूवमेंट्स के जरिए एक्सप्रेस करेगा देन इसमें फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जैसे मैंने बताया कथक कली में बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो इसको आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं शायद ये गुस्से की तरह गुस्सा दिखा रहा है एंगर दिखा रहा है तो इस तरह से ये अपनी फेशियल एक्सप्रेशन से ये सारी चीजें जो है दिखाता है न यहाँ पे यूजली क्या होता है कि जो स्टोरी सुनाई जाती है लाइक यहाँ पे आप देख सको रामायण या महाभारत से लिया जाता है तो लाइक रामायण जो है रामायण इज द ये शायद राम जी के बारे में जब राम जी ने रावण के साथ जो युद्ध हुआ था जंग हुआ था तो उस जंग को डिपिक किया जाता है तो यहाँ पे भी महाभारत में भी लाइक आपको गुड़ और इवल के बीच का फाइट आपको देखने को मिलता है तो जो कहानी कहानियां सुनाई जाती है यूजली वो अच्छे और बुरे के बीच गुड़ को पचा कहा जाता है और इवल को काठी कहा जाता है तो इन दो के बीच की कहानी अच्छाई और बुराई के बीच की कहानी को डिपिक किया जाता है इन कथकली गली कथकली में जैसे मैंने आपको बताया कि एक फे, फेशियल मास्क यूज किया जाता है या फिर फेशियल कलर्स अलग अलग यूज किए जाते हैं लाइक like अगर ग्रीन कलर होगा तो ग्रीन कलर अच्छा ही दिखाता है गुड डिग्निटी दिखाता है हीरोज जो होते हैं उनको ग्रीन कलर का पेंट या फेशियल मास्क लगाया जाता है जो आ, सिन होता है या जो बुरे इंसान होते हैं या जो जब गुस्से को दिखाना होता है जब बहादुरी को दिखाना होता है तो वहां पर रेड कलर का पेंट किया जाता है चेहरे पर ब्लैक ब्लैक इवल बुराई को दिखाता है या प्रिमेटिवनेस को दिखाता है वैसे ही व्हाइट वो सच्चाई या प्योरिटी को दिखाता है तो अलग अलग कलर जो है वो अलग अलग मैसेज या अलग अलग चीजें डिपिक करती हैं इंडिकेट करती हैं इन दिस कथकली डांस कथकली जो है इसको मलयाली पॉइंट वेलथॉल नारायण मेनन ने रिवाइव किया था तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखने इसको रिवाइव किया गया था बाय मलयाली पॉइंट मलयालम के, के एक पॉइंट थे जिनका नाम था वेलथॉल नारायण मेनन इनका नाम आगे भी आएगा इनका नाम हम आगे मोहिनी आतम में भी देखेंगे मोहिनी आतम के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया है वेलथॉल नारायणा मेनन नव इसके कुछ फेमस प्रोपोनेंट्स की बात करेंगे वी हैव द कालामंडलम रामकुट्टी नायर वी हैव द सदानम राम कृष्ण कुट्टी वी हैव गुरु कंचन कंचनूप वी हैव गोपीनाथ रीटा गंगोली ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स हैं कथा कली के वी हैव द अनदर वन दैट्स मोहिनी आतम मोहिनी आतम भी केरला में परफॉर्म किया जाता है एंड अगर आप इसको देखोगे इट स्टार्टेड या इसकी जो प्रोमिनेंस है वो बड़ी ड्यूरिंग द uh, रूलर्स ऑफ ट्रेबेन कोर एक, एक uh, आप सकते केरला। तो उस उनके गर, उसमें जो पुराने टाइम में जो रूलर्स थे उन्हीं के टाइम पे मोहिनी यातम जो है वो एक प्रोमिनेंट डांस के, के फॉर्म में डेवलप हुआ न मोहिनी यातम आपको ऐसे याद होगा मोहिनी कहते हैं एक खूबसूरती को कहते हैं

एक बुरे इंसान को मारने के लिए उन्होंने एक औरत का आ, रूप लिया था उन्होंने एक औरत की फॉर्म ली थी इंसानी शक्ल में आए थे तो उसका नाम था मोहिनी तो एक औरत की शक्ल में आए थे उसका नाम था मोहिनी तो मोहिनी जो है उन्होंने फिर उस बुरे इंसान का आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट पर्सन जो उन्हों जिसको उन्होंने मारा था तो मोहिनी की फॉर्म में विष्णु जी आए थे और फिर उनको मारा था तो फिर उन्होंने एक्चुअली विष्णु जी ने या वो जो उनकी जो मोहिनी फॉर्म में जब वो थे तो मोहिनी ने उस टाइम पे डांस किया था उसी डांस को मोहिनी यातम में दिखाया जाता है तो इट्स इंटरप्रिटेड एज द डांस ऑफ मोहिनी जैसे मैंने बताया तो यूजली एक सोलो डांस परफॉर्मेंस होती है और इसमें यूजली आपको ज्यादातर लस्य स्टाइल मिलेगा लस्य स्टाइल जैसे मैंने बताया इसमें आपको फीमेल कॉम्पोनेंट ज्यादा दिखेगा क्योंकि एक औरत परफॉर्म करती है इसमें आपको फीमेल कॉम्पोनेंट ज्यादा दिखेगा एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इसकी जो क्लोथिंग होती है जो अटायर होता है जो पहना हुआ होता है एक मोहिनी आत्म परफॉर्मर ने वो आपको व्हाइट और ऑफ व्हाइट वालर ऑफ व्हाइट कलर का मिलेगा

ना मोहिनी ऑफ फेमिनाइन डांस ऑफ जी ने जो फेमिनाइन डांस किया था मोहिनी के अवतार में जब वो आए थे तो स्टोरी को न इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे आपको याद रखनी है कि मोहिनी यातम परफॉर्मेंस पर, जो होती है वो सिंबलाइज करती है द एलिमेंट ऑफ ईयर तो जैसे इट्स कि जो इंडिया में जो है माना जाता था दिस यूनिवर्स इज मेड एलिमेंट्स एयर वाटर फायर काई तो ये पांच कॉम्पोनेट्स होते हैं तो ये जो मोहिनी आत्म है इट सिंबलाइज द एयर एलिमेंट एयर एलिमेंट जिसकी ये मतलब दुनिया बनी है देन इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक uh, होते हैं वो ज्यादा uh, मतलब फेमेनाइन होते हैं और इसमें आपको ज्यादा हैवी स्टेप्स देखने को नहीं मिलेंगे उतना रिदमिक टेंशन देखने को नहीं मिलेगा इसमें जो फुटवर्क होगा वो जेंटल होगा सॉफ्ट होगा जैसा मतलब सो दैट इट मैचेस विद जैसे मतलब फीमेल्स का होता है देन इसमें डांसर का की जो बॉडी होती है वो ग्रेसफुली मतलब सॉफ्टली ऊपर नीचे करेगी और ज्यादा जो एम्फेसिस होता है वो टॉर्सो पे होता है टॉर्सो मींस मतलब पैरों और और हाथों के बगैर जो बचता है डेट्स यूर टॉर्सो देन इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें मूवमेंट में रेस्टोरेंट देखने को मिलती है इसमें देखने को मिलता है कि मोवमेंट जो है जैसे वो उतनी फ्रीली नहीं होती है मतलब उसमें आपको एक रेस्टोरेंट uh, देखने को मिलता है देन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें डांस किया जाता है तो यूजली से दूर रखे जाते हैं इसमें इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बताया था जब मैंने कथक कली बताया था तो वहां पे भी मैंने इनका नाम लिया था मलयाली पॉइंट जिनका नाम था वेलथोल नारायण मैन इन्होंने कथक कली को भी रिवाइव किया एंड कुछ इन्होंने मोहिनी आत्म के रिवाइवल में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा है इसके अलावा इनके साथ कल्याणी अमाल भी हुआ करती थी तो उन्होंने भी इसके लिए काम किया है इसकी फेमस प्रपोनेंट्स इसमें सुनंदा नायर है विजंती माला है हेमा मालिनी इम्पोर्टेंट है ये याद रखोगे हेमा मालिनी एक इम्पोर्टेंट प्रोपोनेंट है मोहिनी आत्म की माधुरी अम्मा जया प्रभा मेवन ये कुछ इंपॉर्टेंट मोहिनी आत्म की प्रोपोनेंट्स रही है देन वी हैव द तो ओडीसी जैसे मैं बताया उड़ीसा का है ना ओडिसी का जो नाम है ओडिसी ये निकला है ओड्रा नृत्य से ये ओड्रा नृत्य बेसिकली नाट्यशास्त्र जो मैंने बुक बताई है आपको भरत मुनि जी की उनकी बुक में ये ओड्रा नृत्य के बारे में लिखा हुआ था उसी से ये ओडिसी निकला है ओडिसी डांस uh, जो है इसके हमें स्क्रिप्चर्स स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं मूर्तियां जो ये डांस परफॉर्म कर रही हैं उन मूर्तियों को हमें देखने को मिलता है इन द खंड उदयगिरी केव्स तो उड़ीसा के अंदर एक केव्स हैं खंडयारी उदयगिरी केव्स उनके अंदर स्कप जो स्कल्पचर्स हैं वो स्कल्पचर्स ये डांस परफॉर्म करते हैं दैट द ओडिसी डांस इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट है दैट द सन टेम्पल एट कोनार्क कोनार्क उड़ीसा के अंदर एक टेंपल है दैट इज द सन टेंपल ऑफ कोनार्क वो हमें आगे देखना है तो ये आप याद रखोगे ये ओडिशा में है और वहां पे भी आपको ये वहां की पेंटिंग्स में या वहां के स्कल्पचर्स में ये ओडिसी डांस आपको देखने को मिलता है वहां पे जो मूर्तियां बनी हो वो ये डांस परफॉर्म कर रही है ना इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये पहले जो है लाइक वी सॉ के जैसे हमने देखा भारतनाट्यम पहले देवदासी परफॉर्म करती थी ओडिस, ओडिसी डांस है ये महीर्ष परफॉर्म करती थी महीर्ष जैसे वहां पे जो है मैंने बताया था आपको कि जो देवदास होती थी वो टेम्पल डांसर्स होती थी महीर्स जो है ये बेसिकली ये भी टेम्पल आप मान सकते ये, ये फीमेल सर्वेंट्स होती थी टेम्पल की और फिर ये एज टेम्पल सर्विस डांस भी करती थी उनको महिर कहा जाता था या महीर्स कहा जाता था और उस टाइम पे जो रूलर थे ज्यादातर जिस टाइम पे ये डेवलप हुआ उनका नाम था वो एक एन किंग थे उनका नाम था खरबेला हरबेला ओडिसी डांस में जो म्यूजिक होता है बैकग्राउंड में दैट्स हिंदुस्तानी डांस हमने भारतनाट्यम में देखा कुचिपुड़ी में वैसा कर्नाटिक डांस बट यहाँ पे हिंदुस्तानी डांस होता है और यूजुअली इसमें जो पीछे लिरिक्स होते हैं जैसे हमने देखा था वहां पे रामायण से स्टोरी सुनाई जाती है यहाँ पे जो लिरिक्स होते हैं पीछे जो सॉन्ग्स चलते हैं वो यूजुअली गीता गोविंदा से निकाले जाते हैं गीता दोविंदा जया देवानी लिखी थी ये एक बुक है ना जैसे हमने देखा मोहिनी आत्म सिंबोलाइजेज एयर ओडिसी सिम्बोलाइजेज वाटर तो वाटर को सिम्बोलाइज किया जाता है थ्रू दिस ओडिसी डांस इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें वुमेन जो होती हैं उनका एक एलोबरेट हेयर स्टाइल होता है सिल्वर की ज्वेलरी पहनती हैं और बड़ा सा लॉन्ग नेकलेस उनकी नेक में होता है ये इंपॉर्टेंट है ओडीसी में ये आपको याद रखना है इसमें जो मूवमेंट्स या एक्सप्रेशन या मुद्रा जो होती है इसकी वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है भारतनाट्यम के जैसे ही इसमें मूवमेंट सॉफ्ट होती है यूजुअली हम कह सकते हैं कि इसका इसमें लास्ट या कॉम्पोनेट जो होता है वो ज्यादा होता है इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इसको हम मोबाइल स्कल्पचर भी कहते हैं क्यों क्योंकि इसमें जो परफॉर्मर होता है वो अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाता है अलग अलग तरह की वो शेप्स अपनी बॉडी से बनाता है और स्कल्पर स्कल्पचर हम कहते हैं मूर्ति को तो ये आप मान सकते हो चलती फिरती मूर्ति को आप मान सकते हो इसको तो ओडिसी इज नोन एज द मोबाइल स्कल्पचर

इंपॉर्टेंट पोस्टर्स वन इज चौक एंड सेकेंड इज द त्रिबंगा नाउ इंपोर्टेंट इसको रिवाइव किया बाई कपी चंदा कलीचरण पटनायक इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है आपको लेटर इसके बाद फिर जो है ए, इंटरनेशनल फेम भी मिला इसको बाय द एफर्ट्स ऑफ चार्ली फैब्री और इंद्राणी रहमान इन दोनों ने एफर्ट्स किए जिससे इसको इंटरनेशनल फेम भी मिली इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स है वी हैव द गुरु पंकज चरण दास जी वी हैव द गुरु केलू चरण मोहपात्रा सोनल मैन मैनसन एंड ये शेरन लोवन है ये अर्जेंटीना की आई थिंक थी शो शेरन लेवन ये uh, भी एक प्रोपोनेंट है इसकी देन वी आर द मणिपुरी डांस मणिपुरी ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट इंडिया मणिपुर में परफॉर्म किया जाता है और ये जो है इस डांस की अगर हम ओरिजिन की बात करेंगे तो ये बताया जाता है कि शिवजी और पार्वती ने शिवजी यू नो शिव इज वन ऑफ द थ्री डाइटीज तो शिव जी ने पार्वती जो उनकी वाइफ थी उनके साथ मणिपुर में मणिपुर की वैलीज में वहां के लोकल्स गंधरवा के साथ ये डांस परफॉर्म किया था तो ओरिजिन इसका वहीं से है माइथोलॉजी में इसका ओरिजिन वहीं से बताया जाता है ये जो है ये के साथ इसका डेवलपमेंट हुआ एंड परफॉर्म करती इसमें दोनों तांडवा भी होता है और होते हैं, लेकिन इसमें जाता है क्योंकि जाता फीमेल्स ही परफॉर्म करती हैं ना इसकी एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाया जाता ऑडियंस जो परफॉर्मर होता है वो अपनी आंखें झुकाए रखता है वो आई कॉन्टैक्ट नहीं करता है विद जो ऑडियंस होती है इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे हमने देखा था वी सॉ चौक एंड त्रिभंगा ओडिसी में यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे डांस uh, फॉर्म में वी हैव एन इम्पोर्टेंट मुद्रा कॉल्ड दैट नागा बंदा मुद्रा नागा मे बी इट्स फ्रॉम स्नेक नागा बंदा ऐसे मान सकते हो आपके जब स्नेक uh, जो है वो एट की फॉर्म में अपने को बनाएगा मतलब अपना मुंह जो है अपनी आ, अपनी जो टेल है उसकी टेल को अपने मुंह में लेगा और उसकी एट की फॉर्म बनाएगा तो इसमें भी एक ऐसा ही पोस्टर बनाया जाता है एक ऐसी मुद्रा बनाई जाती है इट्स कॉल्ड द नागाबंदा मुद्रा वो मणिपुरी डांस में होता है देन अगर हम आगे बढ़ेंगे वी सी दैट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वेरियस डांस फॉर्म्स है जो परफॉर्म की जाती है फर्स्ट वन जैसे हमने वहां पे देखा था विसा सा शब्दम इसी तरह से यहाँ पे हमें अलग अलग इसकी डांस uh, फॉर्म्स है वी हैव रासलीला इंपॉर्टेंट आप याद रखोगे रासलीला जो है ये एक फोक डांस भी है रासलीला ये राधा कृष्ण की और गोपीज की कहानी को बताया जाता है तो सो so, जो कृष्ण जी थे और जो राधा और उनकी गोपी उनके साथ जो गोपियां हुआ करती थी उनके उनकी स्टोरी जो है उसको रासलीला डांस में जो है डिपिक किया जाता है सो so, रासलीला इज वन ऑफ द डांस फॉर्म्स ऑफ मणिपुरी ठीक है देन वी हैव द ताना सनकीर्ताना जो है इसमें मेल डांसर्स वो करते हैं मतलब झुकते हैं और फिर पुंग और करताल बजाते हैं ये दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वो बजाते हैं देन वी तंगथा तंगथा में बैटल सीन्स डिस्प्ले किए जाते हैं इस डांस परफॉर्मेंस में बैटल या जंग की जो सीन्स हैं वो डिस्प्ले किए जाते हैं इसमें दो इंपॉर्टेंट डिविजन्स हैं मणिपुरी में वी हैव द जगोई एंड चोलोम जगोई जो है ये एक जेंटल वर्जन है इसका और चोलोम इसका थोड़ा सा विग्रस स्ट्रॉन्ग वर्जन है इस डांस का इसके बीच बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन में इस डांस परफॉर्मेंस को डांस को स्टार्ट किया था वहां पे सिखाया जाता था इसको इस वजह से मॉडर्न टाइम्स में ये जो डांस है इसको प्रोमिनेंस मिली ये जो है ये डेवलप हुआ इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स है वी हैव द जावेरी सिस्टर्स इसमें गुरु गु, इसमें गुरु विपिन सिंह जी आते हैं और गुरु नाभ कुमार जी आते हैं देन में याद है सेवंथ फॉर्म दैट द कथक कथक आपको याद रखें कथक एज द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडिया में परफॉर्म किया जाता है लेकिन ये ज्यादातर उत्तर प्रदेश से निकला है Now, कथक अगर इसकी हम वर्ड को देखेंगे ये डेराइव किया गया है फ्रॉम कथिका कथिका मींस स्टोरी टेलर जो कहानियां सुनाता है उसको कथिका कहते हैं तो वहीं से ये निकला है ये एक ऐसी डांस फॉर्म है जिसपे मुगल का मुगलू का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है तो जो मुगल्स होते थे मुगल कोर्ट से होते थे दरबार होते थे मुगल बादशाहों के उनमें ये कथक परफॉर्म किया जाता था मे बी शायद अनारकली जो जो थी वो शायद ये कथक परफॉर्म करती थी तो इसमें धीरे धीरे उनका इंफ्लुएंस होने लगा तो इसमें कुछ इस्लामिक फीचर्स आए लाइक इसकी ड्रेस जो है या डांसिंग स्टाइल जो है वो थोड़ा सा इस्लामिक फीचर्स में इसमें इंक्लूड होने लगे बाद में फिर लेडी लीला शोकी ने जी ने इस क्लासिकल डांस को रिवाइव किया ये ज्यादातर कोर्ट ट्रेडिशन के साथ एसोसिएटेड था जैसे मैंने बताया कोर्ट ट्रेडिशन मतलब दरबार में इसको परफॉर्म किया जाता था बाकी आपने देखा बाकी डांस जो यूजुअली टेंपल्स में परफॉर्म किए जाते थे लेकिन ये जो है ये दरबार में बादशाह के दरबार में परफॉर्म किया जाता था देन ये जो है इसमें ध्रुपद और ठुमरी म्यूजिक चलता है जैसे मैं देख रहा किसी में हिंदुस्तानी है किसी में कर्नाटक है यहाँ पे ध्रुपद और ठुमरी म्यूजिक पीछे चलता रहता है इसमें नीचे आपको दिखेंगे घुंगरू लगे हुए होंगे और इसमें ज्यादा जो है हाथों को मूव किया जाता है और ज्यादा पैरों को मूव किया जाता है और ये जो है इसमें जैसे मैंने बताया मुगल पीरियड में इसमें तराने बजाने लगे तराने बजाए जाने लगे इसमें ठुमरीज और गजल्स भी इंट्रोड्यूस कराई गई ड्यूरिंग द मुगल पीरियड देन वी हैव कथक के बारे में और कुछ चीजें हैं लाइक वी हैव इसमें एम्फेसिस ज्यादा हैंड जेस्टर्स और फुटवर्क पे होता है ज्यादातर इसमें हाथों की मूवमेंट अगर आपने थोड़ा बहुत कथक देखा होगा कहीं पे तो हाथों की मूवमेंट पे ज्यादा इसमें एम्फेसिस होता है और साथ में फूट मोमेंट्स पे भी होता है इसको हम नटवे डांस भी कहते हैं इसकी एक इम्पोर्टेंट बात है जुगलबंदी जुगलबंदी मतलब इसमें जो तो तबला प्लेयर होता है वो तेज तेज बजाता है और साथ में जो डांसर होता है वो उसके साथ साथ में डांस करता रहता है तो उन दोनों के बीच में एक कॉम्पिटिशन चलता है बिटवीन द डांसर एंड द तबला प्लेयर उसको हम जुगलबंदी कहते हैं देन वी हैव की देन वी हैव दटवार गठबार मीन डांस विदाउट म्यूजिक कथक जो है वो म्यूजिक के बिना भी किया जा सकता है और उसको हम गठबार कहते हैं इसमें अलग अलग घराने हैं आपने सुना होगा इस डांस फॉर्म में अलग अलग घराने हैं वी हैव द जयपुर घराना लखनऊ घराना बनारस घराना एंड रायगढ़ घराना तो ये आप मान सकते हो कि एक एसोसिएशन आप मान सकते हो कि कोई भी जो कथक डांसर होगा उसकी एसोसिएशन होगी किसी के साथ कोई बिलोंग करता होगा जयपुर गराने से कोई बिलोंग करता होगा लखनऊ से अलग उनके अलग अलग उनके अलग अलग मे भी ट्रेडिशन होंगे जो ये फॉलो करते होंगे इसमें आपको इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है बिरजू महाराज जी बिरजू महाराज जी जो थे ये एक बहुत ही बड़े कथक ये बहुत बड़े परफॉर्मर थे इसके अलावा वी हैव हाँ द लच्छा महाराज शंभू महाराज पंडित सीताराम प्रसाद ये कुछ इंपोर्टेंट प्रोपोनेंट्स है और ये फिफ्टीन सेंचुरी विष्णु सेंट एंड रिफॉर्मर ऑफ असम शंकर देव ने इंट्रोड्यूस कराया था सतारिया डांस ये विष्णु मोनस्ट्री में परफॉर्म किया जाता था उनको हम कहते थे सतराज तो सतराज क्या थे ये मोनस्ट्रीज हुआ करती थी वैष्णविज्म में वैष्णव मॉन्स्ट्रीज हुआ करती थी जिनमें ये परफॉर्म किया जाता था ये डांस यूजली उस टाइम पे जो मॉन्क्स होते थे मॉन्क्स उनको बोकोट्स कहते थे तो बोकोट जो थे बोकोट्स परफॉर्म करते थे ये डांस स्टोरी इसमें जो स्टोरी बताई जाती है वो विष्णु जी की स्टोरीज बताई जाती हैं और इसमें आपको आ, एम, ये एक एमलगम है देवदासी और ओजपली डांस का तो ये डांसस दोनों के कॉम्पोनेंट्स आपको इसमें मिलेंगे इसमें भी एम्फेसिस आपको हैंड जेस्टर्स मूवमेंट्स और एक्सप्रेशन पे देखने को मिलेगा इसमें एक स्ट्रिक गाइडलाइन होती है कि किस तरह से हैंड्स को मूव करना है किस तरह से फुटवर्क करना है ये फॉलो करनी पड़ती है देन इसमें और फ्लूट इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं इसमें गयान बयानार नाच और हरमनार नाच ये दो स्ट्रीम्स हैं जो मॉडर्न टाइम इसकी बनी है इसके जो फेमस प्रोपोनेंट्स है वी हैव रामाकृष्णा तालुकदार एंड कृष्णाक्षी कश्यप Then we the ninth one. Ninth one इसको जो है इसको सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रिकॉगनाइज करती है एज ए क्लासिकल डांस चाओ डांस यूजली ये ईस्टर्न इंडिया में परफॉर्म किया जाता है ये इन वेस्ट बंगाल झारखंड एंड उड़ीसा इसका जो ओरिजन है वो झारखंड में है ये एक ट्राइबल मार्शल आर्ट है ये आपको याद रखना है कि इसमें मार्शल आर्ट यू नो मार्शल आर्ट में मतलब जो मूवमेंट्स होते हैं मार्शल आर्ट्स ने बहुत सारे देखे होंगे तो ये भी एक मार्शल आर्ट फॉर्म है डांस की और ये ट्राइबल डांस है इसकी एक इम्पॉर्टेंट uh, अगर आप इसकी मीनिंग देखोगे चाउ छाव जो है इट्स छाओ डांस नॉट चाओ डांस इट छाओ ड का मतलब ये छाया से निकला है विच मीन शेडो तो साया जो होता है तो उसी से इसका नाम निकला है इसमें भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज बताई जाती हैं इसकी एक फीचर है कि इसमें मास्क पहना जाता है आप देख हो, इसने मास्क पहना हुआ और से एक बड़ा सा हेड गेयर भी है इसमें, जो है, इसकी दो हो सकती है इसमें जो इंपॉर्टेंट थीम्स है वे है सरपण नृत्य या फिर मयूर नृत्य ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है छाउ डांस की अलग अलग इसके स्टाइल्स हैं झारखंड में इसको सराई किला छाऊ कहते हैं मयूरभंज इसको उड़ीसा में कहते हैं मयूरभंज में मास्क नहीं होती है इसके एलाव, इसके अलावा अलावा पुरुलिया छाव होता है वेस्ट बंगाल में तो ये कुछ तीन स्टाइल्स हैं जो इस छाव डांस के होते हैं इसको ए, ए, 2011 में इंस्क्राइब किया गया था रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए आई डोंट थिंक इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा बट यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स तो सेम जैसे मैंने बताया नो क्लासिकल डांसेस हैं एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बट एज पर संगीत नाटक एकेडमी वी हैव ओनली वी स्टार्ट विद कथक उत्तर प्रदेश में इसका बारे में आपको बताया था कि इसमें मुगल्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है इसके ऊपर ये कोड डांस एक कोड डांस है ये ज्यादातर दरबार में मतलब बादशाह के दरबार में परफॉर्म किया जाता था असम के अंदर वी हैव हाँ द दे सतारिया डांस असम के अंदर परफॉर्म किया जाता है मणिपुरी डांस इसमें हमने बताया आपको कि आई टैक्ट नहीं बनाया जाता है ओडिसी डांस मैं आपको बताया त्रिभंगा और चौक के बारे में ने आपको बताया इसके अलावा छाव डांस लास्ट में हमने पढ़ा छाव मीन शेडो झारखंड में परफॉर्म किया जाता है इसके अलावा विसा कुचिपुड़ी ये हमने पहले देखा आंध्र प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है इसके अलावा वी भारतनाट्यम द ओलस्ट वन जो कि देवदास परफॉर्म करती थी वैन विशा द कथक कली कथक कली में एक्सप्रेशन जो होते हैं बहुत विग्रस होते हैं पेंट लगा होता है या फेसियल मास्क होती हैं देन है मोहिनी या तम जो मोहिनी का डांस था जो हमने देखा था विष्णु जी के एक अवतार थे आई होपो क्लासिकल डांस सारे कवर हो गए नाउल इंडियन फोक डांसिस अगर हम इंडियन फोक डांसेज की बात करेंगे अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे फोक डांसेस है लाइक विल स्टार्ट द फर्स्ट वन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इंपॉर्टेंट फोक डांसेज उनमें रोफ है, हिकट है या इकट है मंजस है कुद डांडी नाच है और दमाल है ये कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं जम्मू एंड कश्मीर के पंजाब के अंदर वी हैव हाँ द बंगड़ा गिद्धा एंड डफ बंगड़ा आपने देखा होगा बंगड़ा जो करते हैं पंजाबी लोग गिद्धा एंड डफ दे आर ऑल्सो द फोक डांसेस ऑफ पंजाब इन हिमाचल प्रदेश वी हैव जोरा एंड जली तो ये दो डांसेस हैं फोक डांसेस जोरा एंड जली हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड में वी हैव हाँ गढ़वाली एंड कुमाऊ यूनी तो गढ़वाल एंड कुमाऊ रेंज अगर आपको नॉर्दर्न हिमालयस का मेरा लेक्चर याद होगा जो पहला था फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया उसमें मैंने गढ़वाल रेंज और कुमाऊ रेंज के बारे में बताया था ये इंपॉर्टेंट दो रेंजेज है हिमालय के अंदर आती है उत्तराखंड में वन इज गढ़वाल एंड सेकंड इज कुमाऊ उसी के ऊपर ये नाम पड़े हैं गढ़वाली एंड कुमाऊ यूनी ये दो फोक डांसेज हैं उत्तराखंड के हरियाणा में वी हैव हाँ जूमर फाग एंड दाप झूमर अगर आप शायद आपने सुना होगा झूमर एक सॉन्ग भी है झूमर आई थिंक पता नहीं बाजीराव मस्तानी का किसी का है ये सॉन्ग झूमर सॉन्ग उसमें ये डांस किया गया है देन वी हैव राजस्थान राजस्थान में वी हैव घूमर छकरी एंड कालबेलिया डांस घूमर जो है घूमर आप भी शायद किसी एक में है घूमर डांस इसमें ऐसे राउंड राउंड घूमा जाता है ये भी शायद बाजीराव मस्तानी की किसी मूवी में दिखाया गया है देन उत्तर प्रदेश में वी हैव नोटंकी एंड रासलीला रासलीला जैसे मैंने बताया था कृष्ण और राधा की कहानी सुनाई जाती है इट दीज टू आर फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश बिहार में वी हैव जटा जटिन एंड बखो बखेन देन वेस्ट बंगाल में वी हैव काठी एंड गंभीरा मध्य प्रदेश में मटकी एंड जवारी है मटकी डांस इसके ऊपर इसमें सर के ऊपर मटकी रखी जाती है देन अगर गुजरात में जाएंगे वी हैव गरबा एंड डांडिया गरबा में अगर आपको याद होगा थोड़ा सा गरबा में क्या होता है कि जो औरतें होती है वो सर्कल बनाती हैं और फिर ऐसे क्लैपिंग करती हैं रिदमिक क्लैपिंग और फिर राउंड राउंड मूव करती हैं तो उस तरह उसको हम गरबा कहते हैं उसके साथ साथ डांडिया भी एक है डांडिया रस में क्या होता है कि वो छोटी छोटी स्टिक्स होती हैं वो एक दूसरे की स्टिक्स के साथ ऐसे कंटैक्ट करके वो डांस किया जाता है यू मस्ट हैव सीन डांडिया और गरबा दोनों आपने देखे होंगे

देन आंध्र हाँ, प्रदेश में वी हैव देन लक्षद्वीप में लावा डांस है ये इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट में अगर मूव करेंगे पे वी हैव अरुणाचल प्रदेश में बुआ असम में वी हैव बीहू एंड बिचुआ एंड नागालैंड के अंदर वी हैव द रंगमा डांस आई होप ये आपको याद हो गए होंगे अगर नहीं हुए इसको हमें वन बाय वन डिटेल में देखना है उसके बाद हम फिर से रिवाइज करेंगे यू विल रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स आपको ट्रिक्स से इनको याद रखने की जरूरत नहीं है स्टार्ट विद द बंगड़ा डांस बंगड़ा पंजाब में परफॉर्म किया जाता है एक फोक डांस है जो पंजाब में परफॉर्म किया जाता है और यूजली बैसाखी के या वैसाखी के टाइम पे उस फेस्टिवल के दौरान परफॉर्म किया जाता है तो मे बी इफ दे आस्क विच ऑफ परफॉर्मड विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज इज परफॉर्म ड्यूरिंग बैसाखी और वैसाखीश नो दैट बंगड़ा बंगडा में कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहने जाते हैं इसमें इस तरह की बड़ी बड़ी लाठियां होती है हाथ में और उसके साथ छोटा सा कपड़ा बंधा होता है वो उसके साथ हाथ के साथ जुड़ा होता है

तो ये तीन बिहू फेस्टिवल्स होते हैं आसम में और यूजली जो बिहू है वो हार्वेस्ट के टाइम पे ये डांस किया जाता है ये डांस जो है इसमें भी आपको रिदमिक मोशन देखने को मिलेंगी रैपिड हैंड मूवमेंट्स होती हैं और यूजली एक ग्रुप एक परफॉर्म करता है इस तरह के ग्रुप होगा कुछ डोल बजाते होंगे कुछ ये परफॉर्म करते होंगे ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि लंडन ओलंपिक्स 2012 के दौरान ये बिहू डांस है ये परफॉर्म किया गया था इसमें दोनों मेन और वुमेन दोनों परफॉर्म करते हैं देन वी हैव द गरबा डांस जैसे मैंने बताया गरबा एंड डांडिया रस ये दोनों जो होते हैं ये कहा परफॉर्म किया जाते हैं ये गुजरात के अंदर परफॉर्म किया जाते हैं तो यहाँ पे शायद ये डांडिया डांस है डांडिया में इस तरह की छोटी छोटी जो स्टिक्स होती हैं वो हाथ में होती हैं लेकिन ये गरबा भी है ये एक साथ किए जाते हैं गरबा में फीमेल जो होती हैं वो इस तरह से एक सर्कल बनाती हैं और फिर एक दूसरे के साथ घूम घूम के क्लैपिंग करती हैं या फिर इन जो डांडिया होती है डांडिया प्ले करती है इसको हम गरबा डांस कहते हैं तो गरबा का मतलब होता है गरबा दीप से निकला है गरबा दीप मतलब एक अर्दन पॉट एक मिट्टी का बना हुआ बर्तन जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं इसमें जैसे मैंने बताया कि जो औरतें होती है इसमें यूजली वो सर्कुलर फॉर्म एक बनाती हैं और और फिर रिदमिक क्लैपिंग करती हैं वो तालियां बजाती हैं एक रिदमिक मैनर में ये यूजली परफॉर्म किया जाता है नवरात्रि के टाइम पे इंपॉर्टेंट याद रखना है बाकी फेस्टिवल में भी परफॉर्म किया जाता है बट मोस्टली नवरात्रि के टाइम पे ये परफॉर्म किया जाता है देन हैव द रासलीला रासलीला अगर आपको याद होगा मैंने बताया रासलीला ज्यादातर उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि मैंने बताया था रासलीला में कृष्ण जी और राधा की कहानियां सुनाई जाती हैं एंड वन थिंग यू शुड नो दैट कि जो कृष्ण जी थे उनका जो बचपन है वो मथुरा वृंदावन में वृंदावन उत्तर प्रदेश में वहां पर वो उन्होंने बचपन गुजारा था तो इस वजह से उनके रिलेटेड जो भी फोक डांसेस हैं या फेस्टिवल्स हैं वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे सो रासलीला जो है ये उत्तर प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है जो वृंदावन मथुरा और वृंदावन दोनों में ज्यादातर परफॉर्म किया जाता है वहीं से ये ओरिजिनेट भी हुआ है इट्स बेस्ड ऑन द लव स्टोरीज ऑफ राधा एंड कृष्ण एंड वन इंपोर्टेंट थिंग कि इसमें जो कुछ मूवमेंट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं टू कथक है। जैसे मैंने बताया कथक भी उत्तर प्रदेश का एक डांस है और उसमें जो कुछ मूवमेंट्स होती हैं उसमें से कुछ मूवमेंट्स रासलीला के अंदर भी हमें देखने को मिलती है डांस घूमने घूमने को कहते हैं घूम से निकला है तो इसमें क्या होता है कि ये राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है अगर आप घूमर सॉन्ग है शायद एक मूवी में शायद बाजीराव मस्तानी में तो घूमर में ऐसे घूमती हैं वो औरतें तो राजस्थान में आपको पता होगा एक बर्ता सिस्टम होता है वहां पर औरतें जो अपना चेहरा छुपाती है घूंघट हमेशा उनका रहता है तो औरतें जो होती है वो ऐसे पर्दा उनके चेहरे पर होता है और वो ऐसे घूम घूम के वो ये डांस परफॉर्म करती है इट्स परफॉर्म बाय वेल्ड वुमेन और उन्हें घागरा पहना हुआ होता है यू कैन सी दे हैव बॉर्न दिस गागरा देन इसमें आपको सॉन्ग्स जो है वो लव ग्लोरी या डिफीट के हो सकते हैं जो साथ साथ में चलते हैं ये सारे सीजन में परफॉर्म किया जा सकता है इसमें यूजली एक सर्कल बनाया जाता है जिसमें से आधे मर्द होते हैं और आधे जो होते हैं वो फीमेल्स होती हैं इसमें भी आपको इंस्ट्रूमेंट्स और वोकल दोनों चलते रहते हैं देन वी हैव अनदर दैट झूमर याद रखना है गूमर जो है ये राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है झूमर जो है झूमर हरियाणा में परफॉर्म किया जाता है झूमर इज परफॉर्मड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा झूमर को हरियाणवी गिद्दा भी कहते हैं गिद्धा इज अ फोक डांस ऑफ पंजाब याद रखना है गिद्दा इज अ फोक डांस ऑफ पंजाब बट हरियाणा चूंकि पास में है तो हरियाणा में उसी का एक वर्जन आप मान सकते हो झूमर सो झूमर को हम हरियाणवी गिद्दा कहते हैं न फोक डांस जो है ये बेसिकली बलोचिस्तान और मुल्तान से निकला हुआ है पाकिस्तान से निकला हुआ है एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे ज्वेलरी ज्यूलरी पहनी जाती हैं जो चमकती है और साथ साथ में डोलक और थाली जो है वो बजाई जाती है वाइल्ड परफॉर्मिंग दिस झूमर झूमर जो है इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें थाली के ऊपर परफॉर्मर जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं लेकिन अपने आप को बैलेंस करती है उन्हें थाली एक प्लेट के ऊपर Then we have the वीरा नात्यम। वीरा नात्यम जो है ये आंध्र प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है इंपॉर्टेंट फोक डांस है ऑफ आंध्र प्रदेश इसको डांस ऑफ ब्रेव कहते हैं इसको डांस ऑफ ब्रेव कहते हैं बिकॉज इट्स अ ट्रिब्यूट टू गॉड शिवा एंड गॉड इस वीरा बदरा ये इंपॉर्टेंट याद रखना है इस डांस में आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इसमें हैंड जेस्टर्स होते हैं इसमें फ्लेमिंग ट्राइडेंट होते हैं ट्राइडेंट कहते हैं त्रिशूल को तो एक ऐसा त्रिशूल जिसमें आगे आग लगी हुई होती है वो इसमें यूज किया जाता है और स्पेयर स्पेयर बाला को बाला जो होता है बाला और जो त्रिशूल होते हैं वो यूज किए जाते हैं इस वीरा नाट्यम डांस में नाउ इसमें कलरफुल धोतीज पहनी जाती है यू कैन सी दैट दिस पर्सन इज वेयरिंग ए धोती और इस दो इंपॉर्टेंट एक, एक चीज है कि इसमें एक फ्लेमिंग प्लेट होती है वो परफॉर्मर अपने साथ रखता है और जब तक वो जो प्लेट है वो जलती रहती है तब तक डांस जो है वो चलता रहता है तो याद रखोगे वीरा नाट्यम डांस ऑफ ब्रेव कहते हैं इसको ये आंध्र प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है इसमें स्पेयर्स एंड ट्राइडेंट्स का यूज किया जाता है तो आपको क्या करना है कि जो मैंने ये पिक्चर साथ में रखी है यू शुड एसोसिएट दीज नेम्स विद दीज पिक्चर तो जैसे ही आपको वीरा नात्यम याद आना चाहिए आपके दिमाग में ये आना चाहिए एंड यू शुड नो कि वीरा नात्यम में ऐसे बंदे थे उनने धोती पहनी हुई थी और साथ में आपको यहाँ पे तो ये ट्राइडेंट और स्पेयर नहीं है तो ट्राइडेंट स्पेयर भी आप साथ में इसको याद रख सकते हो देन वी है लवानी डांस ना लवानी डांस महाराष्ट्र का एक इंपॉर्टेंट डांस है ना लवानी डांस इज अ डांस यूजली ढोल की साथ में बजाई जाती है और ये लवानी डांस किया जाता है लवानी डांस की एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें जो परफॉर्मर्स होती हैं वो नाइन यार्ड नो गज की साड़ियाँ पहनती हैं बड़ी साड़ियाँ पहनती है और ये हाई टेम्पो या क्विक टेम्पो में बजता है जो पीछे डांस होता है तो इसमें टेम्पो फास्ट होता है जो ये लवानी डांस है इसमें यूजली परफॉर्म करती हैं वो फीमेल्स होते हैं लेकिन ट्रांसजेंडर्स भी साथ में इसको परफॉर्म करते हैं जिनको हम किन्नर कहते हैं लवानी डांस आई थिंक किसी एक मैं पढ़ रहा था अभी कि किसी एक बॉलीवुड चिकनी चमिली और कर्नाटक के अंदर एक डांस है डोलू कुनी द डोलू डोलू था जैसे ही आपको याद आएगा आपको ये बंदे याद आने चाहिए यू कैन सी कि ये सारे बंदे जो हैं ये हेल्दी बंदे हैं बल्की बंदे हैं इनकी फिजिक बहुत बढ़िया है तो डोलू कनी डोल से निकला है तो ये परफॉर्म किया जाता है बाय मेल्स ऑफ गुड फिजिक ऐसे लोग आ, मर्द होते हैं यूजुअली जिनकी अच्छी फिजिक होती है जो भारी बरकम होते हैं उनके वेस्ट के साथ डोल जुड़े होते हैं अटाई के होते हैं और वो डोल बजाते हैं और ऐसे वो गोल गोल घूम के डोल बजाते रहते हैं और ये डांस परफॉर्म करते हैं ये डांस जो है यूजली इनको कुरूबाज परफॉर्म करते हैं कुरूबाज बीरू देवारू के डिवोटीज को कहा जाता है इसका एक और वर्जन है कॉल्ड पट्टा कुटा कुनीथा में डोल्स की जगह पे यूजुअली दे हैव पोल्स यूजली के बड़े बड़े पोल होते हैं स्टिक्स होती है उनको कलरफुल रिबन्स किस से उसको डेकोरेट किया जाता है उस बैम्बू स्टिक को पट्टा कहते हैं तो इस वजह से उसको पट्टा कुनीथा कहते हैं ये ऑलमोस्ट सारे रीजन में कर्नाटक में पॉपुलर uh, है देन वी है मटकी डांस जैसे मैंने बताया था मध्य प्रदेश में मटकी डांस परफॉर्म किया जाता है और इसमें एक मटकी रखी जाती है सिर पे और वो जलती रहती है उसके अंदर कुछ चीज है वो जलती रहती है इसको मटकी डांस कहते हैं मटकी डांस जो है ये यूजली uh, जो जब कृष्ण जी जब छोटे थे उनकी छोटी एज में या जब वो जवान थे यंग थे तो उस टाइम के लव एपिसोड को डिपिक किया जाता है इन मटकी डांस इसमें क्या होता है कि फिर पे जो जलता हुआ ये पॉट होता है उसको या तो उंगलियों से बजाया जाता है उसको बीट किया जाता है या फिर जो आ, उन्होंने अंगूठिया पहनी होती है ने उससे उस पॉट को बीट किया जाता है बजाया जाता है जब ये परफॉर्म किया जाता है देन डोल जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज किया जाता है और इसमें साड़ी और लहंगा कॉस्ट्यूम पहना जाता है देन वी हैव द केरला में परफॉर्म किया जाता है यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा यहाँ पे ये ये परफॉर्मर है बेचारा पता नहीं लोनली सा लग रहा है ओटम टुलाल जो या टुलाल जो है ये एक फोक डांस है कर, केरला का और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय कंचम नंबियार इन एटीन सेंचुरी ये एक सोलो परफॉर्मेंस है एक अकेला इंसान इसको परफॉर्म करता है एंड इसके पीछे रिसाइटल भी होता है जो मैंने बताया था रिसाइटल भी होता है और यूजुअली इसमें एक कोरस सिंगर और ड्रमर होता है और एक सिंबल प्लेयर भी होता है इसमें स्टोरीज बताई जाती है यूजुअली फ्रॉम मलयालम मल्याल, मलयालम लिटरेचर से स्टोरीज इसमें बताई जाती हैं इसमें ग्रीन मेकअप लगाया जाता है चेहरे पे और कलरफुल कॉस्ट्यूम होता है इस डांस को परफॉर्म करने के लिए एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर तो जैसे ही आपको ओटम टूलाल या ओटम ठुलाल याद आएगा आप यू शुड नो आपको ये चीज याद आनी चाहिए ये बंदा आपको याद आनी चाहिए एक सोलो परफॉर्मर है ग्रीन मेकअप लगा हुआ है और ये केरला में परफॉर्म किया जाता है देन वी हैव द कोलाटम कोलाटम जो है ये ओरिजिनेट हुआ तमिलनाडु में एंड इन दिस कोल का मतलब होता है स्टिक uh, को कहते हैं डांस हमने पीछे भी देखा था मोहिनी आत्म आतम डांस को कहते हैं तो कोल स्टिक. तो स्टिक छोटी छोटी लड़कियां जो है वो स्टिक्स uh, के साथ ये डांस परफॉर्म करती हैं ये यूजली uh, राम जी के बर्थडे के दिन ये डांस परफॉर्म किया जाता है देन था कालबेलिया डांस कालबेलिया डांस राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है एंड दिस इसके एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इसको परफॉर्म किया जाता है यूजिंग अ बीन जो आप देख सकते हो जैसे इसके हाथ में बीन है तो इसमें बीन भी यूज की जाती है और इसमें जो मूवमेंट्स होते हैं वो सांप की तरह होते हैं तो जो स्नेक चार्मर्स होते हैं जो बीन बजाते हैं जो सांप को नचाते हैं तो वो जो है वो बीन बजाते हैं तो उसी तरह से ये सांप की तरह भी इसमें मूवमेंट्स होते हैं और बीन इसमें यूज होती है एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस कालबेलिया डांस आपको याद आना चाहिए स्नेक एंड द बीन इट्स परफॉर्मड इन राजस्थान इसको भी इंक्लूड किया गया था इन ट्वेंटी इलेवन इन लिस्ट ऑफ इन हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी देन वी है पदयानी तो जैसे मैंने आपको बताया था ओटम ठुलाल वैसे ही पदयानी एक डांस है केरला का पदयानी का मतलब होता है जो रो होती है एक इन्फेंट्री में जब जंग होता है तो वहां पे एक इन्फेंट्री की एक कतार को एक रो को हम पदयानी कहते हैं इसमें क्या होता है इसमें कोलाम्स यूज होते हैं कोलाम्स बेसिकली ये बड़े बड़ी जो मास्क हैं इनके सिर पे लगी हुई हैं ये बड़ा सा हेड गियर है वो इसमें यूज होता है सो दिस वे वी हैव कवर्ड द फोक डांसेज विल स्टार्टेड विद जम्मू एंड कश्मीर जहां ये हम जम्मू एंड कश्मीर का हमने कवर नहीं किया विल टॉक अबाउट देम इन द जम्मू एंड कश्मीर पार्ट सो so, जम्मू एंड कश्मीर में वी हैव हाँ कुड डांडी नाच एंड है पंजाब में वी हैव हाँ बंगड़ा गिद्धा एंड डाफ बंगड़ा के बारे में हमने पढ़ा बंगड़ा जो है बंगड़ा किया जाता है उसमें कलरफुल उसमें वो स्टिक्स यूज होती है, है। हैं कलरफुल कॉस्ट्यूम्स होते हैं जोरा एंड जल्ली हिमाचल में है उत्तराखंड में गढ़वाली एंड कुमायूनी है हरियाणा में वी सा जूमर, फाग एंड एंड देन घूमर छकरी एंड कालबेला घूमर हमने देखा उसमें गोल गोल घूमा जाता है

इन मध्य प्रदेश वी हाँ हैव मटकी एंड जवारी मटकी मैंने आपको बताया सिर पे मटकी होती है उसमें आग लगी होती है और फिर हाथों से उसको उसको बजाया जाता है इन गांधीनगर सॉरी इन गुजरात वी हैव गरबा एंड डांडिया रस गरबा मैंने बताया औरतें जो है वो रिदमिक क्लैपिंग करती हैं सर्कल्स बनाती हैं डांडिया में वो स्टिक्स से एक दूसरे को स्ट्राइक करती हैं एक दूसरे की स्टिक्स को स्ट्राइक करती हैं महाराष्ट्र में वही सॉ लवानी एंड नकाटा लवानी में मैंने आपको बताया था नाइन यार्ड की साड़ियाँ पहनी जाती है

देन पदयानी पदयानी में बड़ा सा हेड गियर था पदयानी हम कहते हैं एरो ऑफ इन्फेंट्री को एंड ये मैंने आपको बताया था केरला के अंदर देन आंध्र प्रदेश के अंदर वीरना, वीरनाट्यम वीरनाट्यम में आपको याद रखना है वो अगर आप क्या होगा इसमें यूज होते हैं त्रिशूल यूज होते हैं स्पेयर्स यूज होते हैं और ये मैंने आपको आंध्र प्रदेश में बताया था एंड लावा डांस ये लक्षद्वीप में परफॉर्म किया जाता है बुया इन आंध्र प्रदेश बिहू एंड बिजवा ये असम में है बीहू मैंने बताया बीहू फेस्टिवल के टाइम पे किया जाता है हार्वेस्ट के टाइम पे नागालैंड में वी हैव हाँ रंगमा तो इस तरह से हमने ये सारे फोक डांसेस कवर किए ना विल मूव ऑन टू द इंडियन फेस्टिवल्स विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन दैट इज द होली होली के बारे में आपको पता होगा इट्स कॉल्ड एज द फेस्टिवल ऑफ कलर ये इस दिन पाउडर्ड कलर uh, या फिर कलर्ड वाटर जो है एक दूसरे के ऊपर फेंका जाता है गेट फॉल्स इन द मंथ ऑफ फागुन याद रखना है कि इंडियन कैलेंडर या हिंदू कैलेंडर में फागुन एक मंथ आता है फागुन मंथ में ये होली पड़ता है ऑन द डे ऑफ पूर्णिमा पूर्णिमा मींस दैट द डे जब फुल मून होती है फुल मून जिस दिन होती है उस दिन फागुन के महीने में यूजुअली फरवरी मार्च में ये पड़ता है होली सेलिब्रेट की जाती है इसको पहले मदन उत्सव कहा जाता था एंशिएंट टाइम्स में इसको मदन उत्सव कहा जाता है तो यू शुड नो दैट होली वाज नोन एज मदन उत्सव यू

कहा जाता है ये दशहरे के बीस दिन बाद आता है दशहरा बेसिकली वॉज द डे जब राम जी ने रावण का वाद किया था जब राम जी ने रावण को मारा था और लंका को जला दिया था फिर वो वहां से सीता जी को लेके आए थे और जब वो वापस पहुंचे थे तो उनको बीस दिन लगे थे तो जिस दिन मारा था उनको उसको दशहरा सेलिब्रेट किया जाता था आज भी किया जाता है उसको एज दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है जिस दिन वो रावण की जो बड़ी एफ है उसको जलाया जाता है और फिर 20 दिन बाद जब वो वापस पहुंचे तो उस दिन उनका राम जी का और सीता जी का उस दिन एक्चुअली चौदह साल हो गए थे वो वनवास काट के भी आए थे तो उनका वेलकम किया गया पूरे शहर को दीव से डेकोरेट किया गया था तो दीपावली इसी वजह से मनाया जाता है सो दीपावली इज द द फेस्टिवल ऑफ ऑफ सेलिब्रेटेड डेज आफ्टर दशहरा ऑन नाइट अमावस्या अमावस्या न्यू मून दाइट से अंधेरा होता है जब नया नया चांद होता है तो बेसिकली उस रात को अंधेरा होता है ये कार्तिक के महीने में होता है याद रखना है, होली जो है वो फागुन के महीने में पड़ता है लेकिन जो दीपावली या दिवाली है वो कार्तिक के महीने में मतलब अक्टूबर नवंबर में आती है ये जो है जैसे मैंने बताया कि रिटर्न ऑफ रामा टू अयोध्या जब राम जी वापस अयोध्या आए थे चौदह साल का वनवास काट के और रावण को मार के सीता जी को लेकर वापस आ रहे थे तो उस दिन जब वो पहुंचे थे अयोध्या उस दिन दीपावली मनाई जाती है तो ये बीस दिन दशहरे के बाद आती है देन साउथ इंडिया में दिवाली जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज जिस दिन साउथ इंडिया में ये माना जाता है कि कृष्ण ने कृष्ण जी ने नरक को इसी दिन मारा था नरका वॉज आई थिंक वो एक डेमन थे उसको मारा था कृष्ण जी ने ऑन द सेम डे तो वहां पे इसको ये भी सिग्निफिकेंस मिली हुई है अगर हम दिवाली की बात करें तो बंगाल वेस्ट बंगाल में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वहां पे काली को वर्शिप किया जाता है तो एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि वेस्ट बंगाल में बंगाली लोग जो होते हैं वो ज्यादातर बंगाली हिंदू जो हैं वो वर्शिप करते हैं काली को सो तो काली इज ए गॉडेज जिनके बारे में आपने देखा होगा उनकी शायद मूर्ति भी देखी होगी तो दीपावली के दिन वो काली की पूजा करते हैं और बहुत सारे जो बिजनेसमैन होते हैं वो स्टार्ट करते हैं अपने जो ओल्ड अकाउंट्स होते हैं अकाउंट बुक्स होते हैं उनको बंद करते हैं और नई अकाउंट बुक स्टार्ट करते हैं तो उनका कहीं ना कहीं जो कमर्शियल ईयर है वो दीपावली से दीपावली तक ही होता है इस दिन आपको पता ही होगा लैंप्स जलाए जाते हैं कैंडल्स जलाई जाती हैं और ऑल द थिंग्स यू नो अबाउट दिवाली अब इंपॉर्टेंट ये भी है कि जैन भी सेलिब्रेट करते हैं दिवाली को लेकिन वो दिवाली के बीस दिन बाद करते हैं दे बिलीव कि जो महावीरा थे महावीरा जैन जो उनके ट्वेंटी फोर्थ प्रॉफिट आप मान सकते हो कहते हैं को, तो जेन्स के, जो जैन लोग होते हैं लास्ट, लास्ट के जो उनके थे, उनको महावीरा कहते हैं महावीरा जो थे उनको मोक्ष मिला था इसी दिन दैट इज टेन डेज आफ्टर दीपावली तो वो सेलिब्रेट करते हैं दिवाली टेन डेज आफ्टर दिवाली वी मिया द गणेश चतुर्थी गणेश चतुर्थी मीन्स द बर्थडे ऑफ गणेश जी गणेश जी थे वो थे शिवजी और पार्वती जी के शिव शिवा और शिवजी इज वन ऑफ द थ्री डायटीज जिनके बारे में मैं बताया था तो ये एलिफेंट हेडेड थे इनका जो सिर था वो हाथी का सिर था यू मस्ट बी नोइंग अबाउट हिम अब इसको सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ भद्रपदा याद रखना है इट्स सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ भद्रपदा तो ये आपको याद होना चाहिए होली इन फागुन दीपावली इन कार्तिक एंड गणेश चतुर्थी इन भद्रपदा गण गन, गणपति जी की जब गणपति इन्हीं को कहा जाता है गणेश जी को गणपति कहा जाता है तो जिस दिन ये मोस्टली वेस्टर्न इंडिया में मनाया जाता है आप महाराष्ट्र में या गुजरात में आप देखोगे गणेश चतुर्थी चतुर्थी के टाइम पे इनको क्या होता है कि गणेश चतुर्थी को की मूर्तियां लाई जाती है उनकी पूजा की जाती है दस दिन तक और फिर दस दिन के बाद उसको इमर्श किया जाता है इन वाटर यूजली दरिया में उसको बहाया जाता है उस मूर्ति को उसको कहते हैं मूर्ति विसर्जन वो आपने देखा होगा बड़े बड़े प्रोसेस चलती हैं बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं उनकी उसको फिर पानी में बहाया जाता है उसको विसर्जन कहते हैं देन इज ईद उल फित्र अब ईद उल फित्र जो है वो रमजान के महीने के खत्म जब रमजान का महीना खत्म होता है तो पहला दिन ईद उल फित्र का होता है तो रमजान इज अ मंथ ऑफ फास्टिंग यू मस्ट बी नोइंग इट तो रमजान जब खत्म होता है तो रमजान के बाद जो मंथ आता है उसको रबी अव्वल कहते हैं तो मुस्लिम कैलेंडर में अल अवल का जो पहला दिन होता है दैट सेलिब्रेटेड एज ईद उल फितर उस दिन नमाज पढ़ी जाती है ईदगाह में उसको स्वीट ईद या मीठी ईद भी कहते हैं और इस दिन सेवाइयां बनाई जाती है मोस्टली इंडिया में ये चीज़ है कश्मीर में उतना है नहीं देन इस दिन फीसिंग होती है मतलब दावत होती है नए कपड़े पहने जाते हैं यू नो अबाउट ऑल दीज द ईद उल उलहा ईद उल ऑफ और ईद उल जुहा दोनों नाम से इसको जाना जाता है इसको बकर ईद भी कहते हैं दिस इज द ईद ऑफ सेक्रीफाइस इस दिन कुर्बानी दी जाती है बेसिकली प्रॉफिट इब्राहिम को अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया था कि आपने बेटे हुआ इस्लाम को तुम्हें सेक्रीफाइस करना है तो ही टू के सन एक ग्राउंड में लेके गए और वहां पे फिर उनको सेक्रीफाइस करने के लिए उनचे जब लेटाया तो जैसे उन्हें तलवार चलाई तो वहां पे अल्लाह ताला ने उनकी जगह पे उनके बेटे की जगह पे वहां पे एक दुबा एक एनिमल जो है वहां पे पैदा किया तो वो एनिमल जो है वो सेक्रीफाइस हो गया उनका बच्चा बच बच्च गया बेटा बच गया तो वो एक तरह से उसी को कमरेट किया जाता है कि यू शुड बी रेडी टू सेक्रीफाइस एनी फ़ॉर अल्लाह तो प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उसी आ, एक्ट को याद किया जाता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है एज़ उल जुहा जो है ये आ, इदुल जो ईद उजुहा है ईद उल फितर के दो महीने और दस दिन बाद मनाई जाती लेकिन जो ईद उल ईद उल जुहा या ईद उ है ये दुल्हजा के या जुल्हजा इट्स बोथ अरेबिक में दुल्हजा पढ़ते हैं दुल्हजा और या फिर जुल्हजा के मंथ में मनाई जाती है ये ईद उल फितर के दो महीने और दस दिन बाद आती है इस्लामिक मुहरम नोहरम uh, में प्लेस ऑफ कारबला इराक के अंदर उनको शहीद किया गया था इसी मंथ के अंदर न उसी कोट uh, किया जाता है उसी को याद किया जाता है और इस दिन मॉर्निंग होती है इंटेंस मॉर्निंग होती है यूजली जो शिया होते हैं शिया सेक्ट ऑफ मुस्लिम्स जो होते हैं वो इस दिन मॉर्निंग करते हैं इस दिन आप देखते हो कि इस दिन ताजियाज निकाले जाते हैं ताजियाज इस तरह के जो है टूम्स बनाए जाते हैं मीनार बनाए जाते हैं जो कि बंबू और पेपर के बने होते हैं एंड दीज सिग्निफाई द द सिंबलाइज सिंबलाइज टूम ऑफ दर्बला कारबला के टूम को ये सिंबलाइज करता है इसके अलावा एक घोड़ा भी होता है इस प्रोसेशन में साथ साथ दैट रिप्रेजेंट द हॉर्स ऑफ ऑफ इमाम हुसैन दैट्स कॉल्ड एज जुलजना और दुलदुल दुल्दुल, दुल्दुल या दुलजना उस घोड़े का नाम था जो इमाम हुसैन के थे तो वो भी इस प्रोसेस में साथ-साथ चलता है देन व्हेन क्रिसमस क्रिसमस क्रिश्चियंस बिलीव के ऑन 25th दिसंबर uh, जो जीसस क्राइस्ट है वो बर्थ uh, एनिवर्सरी है उनकी सो so, ऑन 25th दिसंबर क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियंस एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जीसस क्राइस्ट सो जो प्रॉफिट जीसस का बर्थडे है वो क्रिसमस के दिन 25th दिसंबर को होता है एज बाय क्रिश्चियंस ना जो डे क्रिसमस के बाद का जो दिन होता है उसको बॉक्सिंग डे कहते हैं यू शुड नो दैट डे आफ्टर द क्रिसमस डे इज बॉक्सिंग डे आपने अगर क्रिकेट आप में से कोई देखता होगा यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द बॉक्सिंग डे टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में जो होता है क्रिसमस के बाद वाले दिन एक टेस्ट स्टार्ट होता है हर साल ऑलमोस्ट होता है उसको बॉक्सिंग डे टेस्ट कहते हैं क्योंकि क्रिसमस के बाद वाले दिन जो होता है यूजली उस दिन गिफ्ट खोले जाते हैं तो बॉक्सिंग मतलब अनबॉक्सिंग को शायद कहते हैं Uh, उसी वजह से उसको कहते हैं या फिर uh, शायद उस दिन जो है बॉक्सेस में गिफ्ट्स डाले जाते हैं जो फिर गरीबों में बांटे जाते हैं तो इस वजह से उसको बॉक्सिंग कहा जाता है शायद उस दिन बॉक्सेस बांध किए जाते हैं आई डोंट नो इट्स अनबॉक्सिंग और बॉक्सिंग और बॉक्सिंग उसी वजह से क्योंकि गिफ्ट्स के साथ ही एसोसिएटेड है देन वी आर द गुड फ्राइडे ना गुड फ्राइडे क्या है कि ये क्रिश्चियंस ऑब्जर्व गुड फ्राइडे इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल यूजली एंड दे बिलीव दैट जीसस क्राइस्ट वॉज क्रूसिफाइड ऑन दिस डे उनको सूली पर चढ़ाया गया था इसी दिन पर इस दिन वो फास्टिंग करते हैं उस दिन वो प्रेयर करते हैं उसको लेंट कहते हैं देन गुड फ्राइडे के बाद जो फ्राइडे थी उसके बाद जो वो संडे आती है उसको ईस्टर संडे या ईस्टरडे कहते हैं तो वो क्रिश्चियन जो है वो बिलीव करते हैं कि गुड फ्राइडे के दिन जीसस को क्रूसीफाई किया गया था जीसस क्राइस्ट पीस बी ओप्वर्निम उनको क्रूसीफाई किया गया था सूली पे चढ़ाया गया था फिर ईस्टर के दिन मतलब जो आगे संडे आई थी संडे के दिन वो फिर से रिजरेक्ट हो गए थे तो ऐसे गुड फ्राइडे के दिन क्रूसीफिकेशन एंड ऑन द ईस्टर डे रिसरेक्शन हुआ था जीसस क्राइस्ट पीस बी पानिम का देन नवरोज नवरोज कश्मीर में भी आपने सुना होगा सुनाज इज नॉट फेस्टिवल फेस्टिवल ऑफ ऑफ मुस्लिम्स इज द नोज फ जोरास्ट्रानिज्म को फॉलो करते हैं उनको पारसीज कहा जाता है और पारसीज ये नवरोज मनाते हैं ना पर ये नवरोज आपने सुना होगा ट्वेंटी मार्च को मनाया जाता है एंड ट्वेंटी मार्च को यूजली कहते हैं कि नए आपको लगाना चाहिए नए नए जो क्रॉप्स है अगर आपको लगाने या सीड्स आपको सो करने तो वो उसी दिन करते हैं यहाँ पे बेसिकली ट्वेंटी मार्च इज द डे ऑफ स्प्रिंग इकोनॉक्स इस दिन इक्वेटर के ऊपर परपेंडिकुलर सनराइज होती है अगर आपको जोग्राफिकल लेक्चर याद होगा इस दिन इक्वेटर पे डे एंड नाइट की सेम लेंथ होती है ट्वेल्व एंड ट्वेल्व आवर्स 21st फिर ट्वेंटी मार्च जो है ये मैंने आपको वहां पे बताया था इसको स्प्रिंग इकोनॉक्स कहते हैं सितंबर में ऑटम इकोनॉक्स होता है उस दिन आपको फिर से इक्वेटर के ऊपर सेम डे सेम परपेंडिकुलर की होती है और सेम इकोनॉक्स मतलब सेम लेंथ के डे भी होता है और नाइट भी होता है इसको स्टार्ट किया गया था इट्स बिलीव्ड के किंग जमशेद जो पर्शिया के रूलर थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था इस दिन पारसी जो होते हैं वो अपने फायर टेंपल्स में वर्शिप करते हैं अपने फ्रेंड्स को विजिट करते हैं रिलेटिव्स के साथ ग्रीटिंग्स शेयर करते हैं ये और इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग फूड्स हैं इन्होंने लाए हुए हैं तो दिस इज देन वी हैव द बुद्धा जयंती बुद्धा जयंती इज सेलिब्रेटेड बाई बुद्धिस्ट ये इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि इस दिन बुद्धिस्ट के हिसाब से तीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे बुद्धिस्ट बिलीव दैट ऑन दिस डे बुद्धा जो थे वो इसी दिन पैदा हुए थे साथ साथ में इसी दिन उनको एनलाइटमेंट भी मिला था एनलाइटमेंट अगर आपको याद होगा बोध गया बिहार के अंदर वो एक बनियान ट्री के नीचे बैठे हुए थे जब उनको एनलाइटमेंट मिला तो जैसे जैसे आप मान सकते हो कि कि मुस्लिम्स बिलीव करते हैं प्रॉफिट को वही मिलती है अल्लाह ताला से वैसे ही सेम जो बुद्धिस्ट हैं बुद्धिस्ट को एनलाइटमेंट दे बिलीव कि बुद्ध जो गौतम बुद्धा थे उनको एनलाइटमेंट मिला था इसी दिन एंड देन दे देसो बिलीव कि उनको डेथ यानी निर्वाणा सेम uh, डे पे मिला था तो इस वजह से ये तीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे हिस्ट्री में ऑन द सेम डे दैट इज द बुद्ध जयंती जिसको माना जाता है एज बुद्ध जयंती सेलिब्रेट किया जाता है नाउ बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती जो यूजुअली अप्रैल में हो, में होती है और इसमें भी जो है सेरेमनीज होती है अलग अलग प्रेयर्स होती है अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस होती हैं जहाँ पे ये इसकी सेलिब्रेशन होती है फर्स्ट इज द सरनाथ नियर वाराणसी सरनाथ वहां अगर आपने बुद्ध जी के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा तो गौतम बुद्ध ने पहली अपनी सरमन जो है वो वहीं पे दी थी सरनाथ में देन बोधगया बिहार में भी सेलिब्रेशन होती हैं बोध गया में उनको एनलाइटमेंट मिली थी एंड सिक्किम एंड लद्दाख में भी

प्रॉफिट जैसे हिंदूज बिलीव करते हैं कि अलग है, अलग, युग होते, हैं। जैसे करते हैं कि अलग युग होते हैं वैसे ही जैन जो है वो बिलीव करते हैं अलग अलग एराज होते हैं उनको वो कहते हैं अवसर पीनी तो वो मानते हैं कि आज जो अवसर पीनी आज जो एरा चल रहा है उसके लास्ट और ट्वेंटी फोर्थ प्रॉफिट थे यही महावीरा प्रॉफिट उसको उनको वो तीर्थनकारा कहते हैं उस दिन जो लॉर्ड महावीर हैं उनकी उनका कैरियर निकाला जाता है रथ निकाला जाता है रथ आई डोंट मीन ब्लड रथ मतलब वो आप मान सकते हो एक व्हीकल एक बड़ा सा व्हीकल है जिसके ऊपर उनकी मूर्ति होती है वो उसका प्रोसेशन निकाला जाता है उसको रथ यात्रा कहते हैं देन ये अभी तक के रिलीजियस फेस्टिवल से विल मूव ऑन टू सम नॉन रिलीजियस फेस्टिवल्स बिहू अगर आपको याद होगा मैंने बताया था बिहू एक फोक डांस भी है तो बिहू क्या है ये तीन फेस्टिवल्स है जो आसाम में सेलिब्रेट किए जाते हैं फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द बोहांग बहू बुहाग बिहू सेकंड इज कॉल्ड एज द कटी बिहू एंड थर्ड इज कॉल्ड एज द माघ बिहू न बुहाग बिहू जो होती है अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है कटी बिहू जो है ये अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है और माघ बिहू जो है जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है जो हु है ये सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल में उस टाइम पे दरअसल स्प्रिंग फेस्टिवल होता है जब सोइंग की जाती है सीड्स की उस टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है ये इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है इसको रोंगाली बहू की के, भी कहते हैं जो दूसरा है दैट्स भोगाली बहू ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिस टाइम हार्वेस्टिंग होती है क्रॉप्स की ये तब सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ जनवरी इसको माघ बिहू भी, भी कहते हैं देन इसके बाद जब अक्टूबर में जब फसल आ, पैड़ी फील्ड्स के अंदर फसल लगी हुई होती है उसी दौरान ये कटी बिहू या कोंगाली बिहू मनाया जाता है उस दिन आ, जो है प्रेयर्स की जाती है रिचुअल्स कुछ होते हैं इनके कि आ, और प्रेयर्स किए जाते हैं ताकि जो पैड़ी क्रॉप है उसकी फसल असल अच्छी आए देन अनदर वन दैट्स द मकर संक्रांति मकर संक्रांति उत्तरयाना भी कहते हैं उत्तर मीन्स नॉर्थ याना मीन्स जर्नी मकर संक्रांति इस ब की ये वो दिन होता है जिस दिन नौ, जो सन है वो नॉर्थ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि सन जो है उसकी परपेंडिकुलर सन पहले इक्वेटर पे होते हैं फिर नीचे कैप आ, फिर नीचे ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिकप्रिकॉन पे जाती हैं फिर वापस आती हैं इक्वेटर पे फिर ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वेंटी फर्स्ट जून को पहुंचती है और आपको क्लाइमेट का लेक्चर याद होगा तो उत्तरयाना ये माना जाता है कि इस दिन जिस दिन मकर संक्रांति होती है इसको उत्तरयाना भी कहते हैं इस दिन सन जो है वो अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट करता है मतलब इट स्टार्ट मूविंग नॉर्थवर्ड मतलब ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है नाउ इसको संक्रांत संक्रांति भी कहते हैं संक्रांति का मतलब ट्रांसफर होता है ये मैंने आपको बताया क्यों क्योंकि इस दिन सन जो है वो नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करता है मतलब तो वो ऑफ कैंसर की तरफ मूव करना अब स्टार्ट कर देता है नाउ ये जो है यूजुअली तो, 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है लेकिन जिस ईयर जिस ईयर लीप ईयर होगा उस ईयर ये फिफ्टीन जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड और गॉडेस लक्ष्मी की पूजा की जाती है इंडिया के अंदर और एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसके अंदर काइट फ्लाइंग की जाती है जिस दिन मकर संक्रांति होती है उस दिन काइट फ्लाइंग की जाती है अब मकर संक्रांति अब मकर संक्रांति जो है मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है असम में इसको माघ बिहू कहते हैं जो मैंने आपको बताया पंजाब में इसको माघी कहते हैं हिमाचल में इसको माघी साजी कहते हैं इसको जम्मू में कहते हैं उत्तरयानी या उत्तरेन या फिर इसको मागी संग्रांड भी कहते हैं हरियाणा में इसको सकरात कहते हैं राजस्थान में इसको सकरात कहते हैं सेंट्रल इंडिया में इसको सुक्रात कहते हैं और तमिलनाडु में इसको पोंगल कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है ये आप याद रखोगे पोंगल जो होती है वो तमिलनाडु के अंदर जैसे नॉर्थ इंडिया में मकर संक्रांति होती है वहां पे मकर संक्रांति की जगह पे पोंगल मनाया जाता है गुजरात उत्तर प्रदेश में इसको उत्तरायण कहते हैं इसी तरह के अलग अलग नाम है दही चूड़ा बिहार में कहते हैं दही और चूड़ा वहां पे एक डिश होती है दही कर्ड को कहते हैं चूड़ा उसके अंदर डाला जाता है तो इसको भी उसी नाम से जाना जाता है इंपॉर्टेंट यहाँ पे है दैट इज शिशुर संक्रट शिशुर जो है शिशुर संक्रट कश्मीर के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है अगर आपको याद हो अगर आपने किसी बड़े से सुना होगा कश्मीर में वो कहते हैं कि फोरटीन फिफ्टीन फोरटीन जनवरी को जमीन अ पेवन यानी ज़मीन के ऊपर चिंगारी पड़ती है इससे क्या होता है कि इस दिन के बाद से सर्दी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और गर्मी का सीजन स्टार्ट होता है ठीक है तो इसको कहते हैं शिशु संक्रांति और याद रखना है कि जो मकर संक्रांति है मकर संक्रांति हर बारह साल के बाद कुंभ के साथ वो इंसाइड करती है मतलब कुंभ और ये मकर संक्रांति बारह साल के बाद एक ही दिन पे आते हैं देन इज टेंट दे लोहरी एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो पंजाब में मनाया जाता है ये भी सेम जैसे हमने देखा 14, 15 जनवरी को मनाया जाता है मकर संक्रांति उससे एक दो दिन पहले 12, 13 जनवरी को पंजाब के अंदर लोहरी मनाई जाती है लोहरी के अंदर इस तरह के बॉर्नफायर जला बनाए जाते हैं जलाए जाते हैं इसके दिन ये दे बिलीव के ये सद तरीन रात होती हैं पूरी पूरे साल में सबसे ठंडी रात यही होती है लोहरी की रात जो होती है लेकिन इस दिन के बाद से जो मौसम है वो बदलने लगता है और गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है को इट कोइनसाइड जैसे मैंने बताया पोंगल या फिर मकर संक्रांति के साथ ये जो है कोइंसाइड करता है और ये विंटर का एंड होता है तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए ऑफ़ फॉलोइंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एज द कल्बिनेशन ऑफ विंटर तो इसमें पोंगल भी है मकर संक्रांति भी है और लोरी भी है ये ये तीनों फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं एज द कलम ऑफ विंटर विंटर खत्म होता है और सन की जो है जर्नी वो स्टार्ट होने लगती है मूव करने लगता है, मैंने आपको बताया।, जिसे कहते है। ये बताया कि कोल्डेस्ट ईयर ऑफ द कोल्डेस्ट डे ऑफ द ईयर इसको मन, जाना जाता है इस दिन क्या कहता है फायर जलाया जाता है और फिर उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स या अलग अलग आप देखते हो गुड़ या तिल जो होता है सीड्स होते हैं या रेवाड़ी गजक इस तरह की चीज़ें इस आग में लगाई जाती हैं और डाली जाते हैं और खाई जाती हैं देन वी हैव इम्पॉर्टेंट दैट इज द छठी चांद छठी चांद इसको कश्मीर में नवरह कहते हैं इसको गुडी पाड़वा कहते हैं महाराष्ट्र में उगाड़ी नाम से भी जाना जाता है इसके अलावा इसको छेत्रा सुक्लाडी के नाम से भी जाना जाता है ये फेस्टिवल जो है एट बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर इन इंडिया तो ये फेस्टिवल चाहे छठी चांद हो नवरा हो कश्मीर में इसको नवरा कहते हैं गुड़ी पादवा हो उगाड़ी हो शुक्ला क्षेत्र शुक्लाडी हो ये सारे जो है ये ट्रेडिशनल न्यू ईयर की बिगिनिंग या स्प्रिंग सीजन जब स्टार्ट होता है उसको कमेमरेट किया जाता है ऑन दिस डे ना इंडिया में अगर आप देखोगे कुछ हिंदूज इसी को मानते हैं एज द न्यू ईयर लेकिन कुछ जो होते हैं वो दिवाली के टाइम पे सेलिब्रेट दैट एज ऑफ न्यू ईयर इसको अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है आंध्रा और तेलंगाना में इसको युगाड़ी कहते हैं कर्नाटका में भी युगाड़ी कहते हैं महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा कहते हैं सिंधी जो होते हैं वो इसको छठी चांद कहते हैं कश्मीर में इसको नवरा कहते हैं नव कश्मीर में नवरा आपने सुना होगा आपने शायद सुना भी होगा इस दिन क्या होता है कि जो कश्मीरी पंडित होते हैं इस दिन उनके घर का जो प्रीस्ट होता है उसको कुलगुरु कहते हैं वो आता है वो पूजा करवाता है और उस दिन वो उस नीच पत्र आपने सुना होगा नीच पत्र एक अल्म होता है उसमें लिखा होता है कि या उससे वो इंटरप्रेट करते हैं कि इस आगे आने वाला साल जो होगा वो कैसा होगा आपने सुना होगा किसी किसी को कहते हो कि नीचपत्र दित नजर जरा इस नीच पत्थर में देखो तो नीच पत्थर में फोर सी की कौन सी चीजें आगे आने वाले साल में देखने को मिलेंगी और एक क्रालपी क्रालपच भी होता है जिसको स्क्रॉल एक होता है एक उसको क्रालपच कहते हैं वो एक लोकल गॉडेस की उस पर इमेज होती है फिर क्या किया जाता है कि ये दोनों एक ये नीच और क्रीलपच जो है इसको एक डिश एक प्लेट में रखा जाता है साथ में कुछ फ्लावर्स रखे जाते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे जाते हैं सिल्वर कॉइन्स रखी जाती हैं ये जो चावल है वो रखे जाते हैं तो इस तरह के अलग अलग चीजें खाने की और इंक कंटेनर पेन ये चीजें रखी जाती हैं और फिर अगले साल इसको फिर से खोला जाता है इसी नावरा के टाइम पे देन द बैसाखी इज एन इंपॉर्टेंट इसको वैसाखी भी पढ़ते हैं और बैसाखी भी पढ़ते हैं इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ वैसाखी ठीक है तो वैसाखी के टाइम पे ये तेरह और चौदह अप्रैल को मनाया जाता है तेरह या फिर चौदह अप्रैल को मनाया जाता है एज द न्यू सोलर न्यू ईयर ऑफ सिख एंड हिंदू कम्युनिटी तो इज सेलिब्रेटेड एज द न्यू ईयर तो जैसे हमने देखा था नवरा एटसेट्रा वो भी कुछ लोग मानते हैं एज द न्यू ईयर लेकिन आई थिंक वो लोनर न्यू ईयर है हिंदू न्यू ईयर यहाँ पे हिंदूज और सिख्स एज अप, uh, अपना न्यू सोलर न्यू ईयर मनाते हैं ऑन द डे ऑफ बैसाखी दैट्स ऑन द दर्टीन और फोर्टीन अप्रैल इस दिन स्प्रिंग फेस्टिवल अभी स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल भी मनाया जाता है बहुत सारे लोग क्योंकि जो विंटर में जो फसल बनाई जा उगाई जाती है उसको हार्वेस्ट किया जाता है इसी आ, थर्टीन फोर्टीन अप्रैल के अराउंड अब सिक्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके जो टेंथ गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी उन की बर्थ एनिवर्सरी भी तीस मार्च को थी मतलब इसी के अराउंड वो आती है इसके अलावा जो महाराजा रंजीत सिंह जी थे उन्होंने अपना जो अपनी गद्दी थी वो संभाली थी ऑन द ट्वेल्थ अप्रैल इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इंडियन हिस्ट्री में इंडियन नेशनल फ्रीडम की हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था जलिया वाला बाग मैसेकर वो भी इसी के अराउंड थर्टीन फोर्टीन अप्रैल के अराउंड हुआ था तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो बैसाखी के अराउंड हुए थे देन ओनम ओनम इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो कि मनाया जाता है इन केरला केरला में इसको इन द मंथ ऑफ श्रवना अगर आप याद नहीं रखोगे तो चलेगा लेकिन याद रखना है केरला में मनाया जाता है ओनम इट कॉमेमरेट्स द अपेयरेंस ऑफ वमन्ना अवतार ऑफ विष्णु विष्णु जी का एक अवतार था जिसका नाम था वामन्ना ये मानते है कि जो केरला के लोग है दे बिलीव के ऑन दिस डे वैष्णु जी वामना के अवतार में जमीन पे आए थे और इसके अलावा एक बहुत बड़े किंग थे महाबली किंग महाबली वो आए थे वापस अपने मतलब राज्य में ऑन दिस सेम डे जिस दिन ओनम मनाया जाता है किंग महाबली जो थे डे uh, जो होता है ओनम का उसको uh, तिरु ओणम कहते हैं तिरु ओणम जो होता है तिरु ओणम के दिन अपने घर को साफ किया जाता है डेकोरेट किया जाता है और ये मानते हैं कि जो महाबली किंग महाबली थे वो इसी दिन वापस लौटे थे इस दिन uh, जो है एक बोट रेस होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट बोट रेस है दैट्स कॉल्ड एज द कुमारकुम्भ बोट रेस ये आपको याद रखनी है ये वेम्बनाड लेक में होती है वेम्बनाड लेक द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया ये आपको याद रखनी है कि ये हो इसके अंदर होती है कुमारकुम बोट रेस तो मे बी इफ दे आस्क दैट कुमारकुम बोट रेस इट्स हेल्ड इन वेम्बनाड लेक इसके अलावा एक नेहरू बोट रेस होती है वो हम आगे देखेंगे वो वेम्बनाड लेक में नहीं होती है वो दूसरे एक लेक में होते हैं वो हम आगे देखेंगे वो बोट रेस ये बोट रेस ओनम के फेस्टिवल पे ही होती है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस एक और आप फेस्टिवली मान सकते हो केरला के अंदर एक बोट रेस होती है जट्स कॉल्ड द नेहरू बोट रेस वहां पे अलपुजा रीजन है अलपूजा टाउन है अलप्पूजा रीजन में पन्नामाड़ा लेक है पन्नामाड़ा लेक के अंदर ये नेहरू बोट रेस होती है इसमें वो स्नेक बोट्स होती है स्नेक बोट्स में आपने देखा आगे की तरफ एक सांप का मुंह जैसे होता है यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा लंबी लंबी बोट्स होती हैं और वो स्नेक रे, बोट रेस भी जो होती है वो इसी में होती है वो नेहरू ट्रॉफी के लिए होती है देन वी हैव द नवरात्रि दुर्गा पूजा एंड दशहरा अब नवरात्रि बेसिकली एक मंथ होता है जिसको अश्विन मंथ कहते हैं हिंदू कैलेंडर में एक मंथ होता है अश्विन का मंथ होता है उसके जो पहली नौ दिन या नौराते होती हैं उनको नवरात्रि कहते हैं अब नौ पहली नौ रातें होंगी या नौ दिन होंगे उनको नवरात्रि कहते हैं इस दिन जो हिंदूज होते हैं बहुत सारे वो इस दिन इन नौ दिनों में फास्ट करते हैं वो भूखे रहते हैं इन दिनों में जैसे हम रोजा रखते हैं वैसे वो इन नवरात्रि के दिनों में फास्ट करते हैं गुजरात में नवरात्रि में मैंने आपको बताया गुजरात में गरबा डांस परफॉर्म किया जाता है इन्हीं नौ दिनों के अंदर अब जो सप्तमी होती है मतलब सेवंथ डे अष्टमी आठवीं डे और नौमी मतलब नाइन्थ डे सेवेंथ एट्थ और नाइन्थ डे इन तीन दिनों में बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा होती है बहुत बड़ा फेस्टिवल चलता है तीन दिन तक दुर्गा गॉडेस दुर्गा की पूजा की जाती है बंगाल के अंदर इन तीनों तीन दिनों के अंदर जो कि इस नवरात्रि के लास्ट के तीन दिन होते हैं और जब टेंथ डे होता है दस दसवा दिन जब होता है उस दिन मनाया जाता है विजयादशमी उसको विजयादशमी कहते हैं और इसी दिन दशहरा मनाया जाता है तो याद रखना है दशहरा इज सेलिब्रेटेड ऑन द विजयादशमी जो कि अश्विन का टेंथ डे होता है नवरात्रि के बाद का जो दिन होता है और दशहरा मैंने आपको बताया था दशहरा कौन सा दिन है दशहरा वो दिन है जिस दिन राम जी ने रावण का वध किया था उनको मार दिया था तो दशहरे के टाइम पे आपने देखा होगा ये बड़ी बड़ी एफजीज होती है रावण की जिनको जलाया जाता है और फिर उसके बीस दिन बाद पहुंचे थे वापस कहां रावण का वध करने के बाद राम जी वापस पहुंचे थे अयोध्या उसके 20 दिन बाद उस दिन सेलिब्रेट की जाती है दिवाली आई होप आप चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो आपको समझ आ रहा है एंड इसको सेलिब्रेट किया जाता है दशहरा को एज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द इवल अच्छाई की बुराई पे जीत इसको सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल ऑफ दशहरा यू शुड नो दिस दैट फेस्टिवल ऑफ दशहरा इज सेलिब्रेटेड एज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द देन वी दैन द लोसार फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है यूजुअली वहां पे एक वैली है दैट्स कॉल्ड द तवान वैली तवान वैली के अंदर बुद्धिस्ट कम्युनिटी ये सेलिब्रेट करती है इसके अलावा ये जो है ये सेलिब्रेट किए जाते हैं इन लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश ऑलसो और ये लोसार जो है लोसार लो का मतलब होता है ईयर और सार का मतलब होता है न्यू तो लोसार फेस्टिवल न्यू ईयर होता है बुद्धिस्ट सॉरी तिब्बतियन न्यू ईयर तिब्बतियन लूनार न्यू ईयर तिब्बतियन जैसे सोलार और लूनार ईयर्स होते हैं तो तिब्बत में जो लूनार ईयर है उसका फर्स्ट डे होता है एक जानवर होता है इस तरह का एक परिंदा होता है तो हॉर्नबिल जो है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नागालैंड में एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है मनाया जाता है इसको कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल ये टर्मोलॉजी याद होनी चाहिए आपको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल को कहते हैं इसके अंदर आपको नागालैंड की सिक्सटीन डिफरेंट ट्राइब्स के अलग अलग हेरिटेज अलग अलग कल्चर को दिखाया जाता है और इसको फर्स्ट से सेवन दिसंबर कोई कोई लिखता है कि फर्स्ट से टेन दिसंबर तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है तो इंपॉर्टेंट है याद रखना है हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट नागालैंड इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहते हैं देन वी हैव द अंबुबाची मेला जो कि आसाम के अंदर होता है इंडिया इज ए यूनिक कंट्री एंड वन ऑफ द यूनिक फीचर्स एक, एक यूनिक सम मेला है दैट द अंबूबूची मेला अंबुची मेला जो है इट मार्क्स द मेनस्ट्रेशन पीरियड ऑफ गॉड इ गॉड God, जो गॉडेस का मैं किया है उनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड ये आ, उसी को सेलिब्रेट किया जाता है एज दिस बूची अम्बु मेला अम्बुबाची मेला ना तीन दिन तक उनका जो टेम्पल है उसके दरवाजे बंद होते हैं और फिर जब तीन दिन खत्म होते हैं तो वहाँ पे एक कपड़ा रखा होता है एंड दे बिलीव के वो जो कपड़ा वहाँ पे उन्होंने रखा है दैट सपोजिटली सोक्स ऑल द जो गॉडेस कामाख्या का होता है और ये एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है असम के अंदर इस दिन बहुत सारे तांत्रिक जो होते हैं साधु दूर दूर से आके इस आंबूबाजी मेला में आते हैं

जो है, बेसिकली ये एक है, ये एक होता है, है. ये एक एक होता ऐसी गैदरिंग जहां पे औरतें जो होती हैं, वो अपने लिए वर चुनती हैं. स्वयं मतलब हर सेल्फ वर मतलब खुद अपने लिए वर अपना पति चुनती हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्राइबल्स होते हैं जो मर्द होते हैं वो अपने लिए एक अम्ब्रेला बनाते हैं एक जितना खूबसूरत हो सके एक अम्ब्रेला बनाते हैं हर एक अपने साथ एक अम्ब्रेला लेके आता है और फिर जो औरतें होती हैं जिनको जो अम्ब्रेला सबसे ज्यादा पसंद आता है वो उसी के साथ फिर शादी कर देती है सो दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैरिज मार्ट मैरिज मार्ट इंग्लिश में कहते हैं स्वयंवर को तो जो गुजरात के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है देन वी हैव द कोनार्क डांस फेस्टिवल उड़ीसा अगर आपको याद होगा कोनार्क डांस फेस्टिवल कोनार्क मैंने बताया था कोनार्क उड़ीसा के अंदर एक टेम्पल है सो कोनार्क टेम्पल इज ए टेम्पल इन उड़ीसा और अगर आपको थोड़ा पिछले का याद होगा मैंने अभी बताया था कि उड़ीसा में उड़ीसी डांस परफॉर्म किया जाता है और मैंने बताया था कि उड़ीसी डांस की आपको मूर्तियां दिखेंगी जो आपको इस कोनाक टेम्पल में दिखेंगी एंड यू कैन सी हेयर यहाँ पे ये जो मूर्तियां आपको बैकड्रॉप में दिख रही हैं दिस वन हेयर दिस वन हेयर ये जो आपको ये डांस करती हुई स्कल्पचर्स या मूर्तियां पीछे दिख रही हैं ये ओडिसी डांस परफॉर्म कर रही हैं और यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा डांस फेस्टिवल होता है दैट्स कॉल्ड एज द कोनाक कोनाक डांस फेस्टिवल यू शुड नो इज इन इसको ये जो है इट्स हेल्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ पीछे इसका कोनाक सन टेम्पल है जैसे वहां पे मोडेरा सन टेम्पल था गुजरात में यहाँ उड़ीसा में कोनार कोनाक सन टेम्पल है और वो एक वर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है देन वी आर द जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान याद रखना है डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में होता है जैसलमेर राजस्थान के अंदर है वहां पे रेड स्टोन पीछे आप देख सकते हो बैकड्रॉप में दिस फैसिनेटिंग सैंड स्टोन ऑफ जैसलमेर तो वहाँ पे ये डेजर्ट फेस्टिवल होता है इसके अलावा वी वही हाँ तो पुष्कर मेला इंपॉर्टेंट मेला है इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है राजस्थान के अंदर होता है पुष्कर मेला पुष्कर मेला ये वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइव स्टॉक फेयर्स ऑफ द वर्ल्ड है यहाँ पे क्या होता है बेसिकली राजस्थान के अंदर इस दिन लाइव स्टॉक खरीदा जाता है और बेचा जाता है गेम्स यूजली ज्यादातर यहाँ पे बाई किए जाते हैं और सेल किए जाते हैं इसके अलावा यहाँ पे मटका फूड ब्राइडल गेम्स और लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट मस्टाश जैसे कुछ पॉपुलर इवेंट्स होते हैं ट्राइब जो आपको बताएगा राजस्थान में जो फॉरेन टूरिस्ट हैं बहुत ज्यादा आते हैं तो फॉरेन टूरिस्ट की भी यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ पाई जाती है देन वी हैव वन ऑफ द इंपॉर्टेंट द किला रायपुर फेस्टिवल किला रायपुर फेस्टिवल जो है ये जालंधर के अंदर होता है जालंधर में एक गांव है जिसका नाम है किला रायपुर वहां पे ये फेस्टिवल होता है एंड इस फेस्टिवल को कहा जाता है एज द रूरल ओलंपिक्स इस फेस्टिवल के अंदर अलग अलग खेल होते हैं अलग अलग टाइप के लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑक्शन है आगे जो है बैल लगे हुए हैं और पीछे ये बंदे जो है ये रेस चल रही है इनकी तो इसको रूरल ओलंपिक्स कहते हैं याद रखना है ये किला रायपुर जालंधर के पास एक गांव में वहां पे होते हैं वहां पे कबड्डी ऑक्स रेसिंग रेसलिंग और भी बहुत सारे खेल वहां पे इस फेस्टिवल में होते हैं देन वी हैव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द पुरी रथ यात्रा उड़ीसा उड़ीसा के अंदर एक इंपॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दैट इज द जगन्नाथपुरी टेम्पल याद रखोगे आगे भी हम अभी पढ़ेंगे दैट जगन्नाथ पुरी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स फॉर हिंदूज इन इंडिया तो वहां एक यात्रा निकलती है एक रथ यात्रा रथ कहते हैं कैरियट को तो यहाँ पे तीन ये रथ है नीचे इनके टायर लगे हुए हैं पीछे ये मंदिर बने हुए हैं जैसे तो ये आगे आगे चलते हैं लोग इसके साथ साथ चलते हैं इसको पूरी रथ यात्रा कहते हैं क्योंकि ये जगन्नाथ पूरी टेम्पल एक है वहीं पे ये रथ यात्रा चलती है तो ये तीन टेम्पल्स के कैरियट बनाए जाते हैं और ये चलते हैं साथ में लोग चलते हैं तो जैसे मैंने बताया ये सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा के अंदर इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजियस इवेंट्स ऑफ द ईयर इन द कंट्री ये जगन्नाथ पुरी टेम्पल जो है वहां पे ये सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ पे तीन बड़े टेम्पल शेप टेम्पल के शेप के बने हुए कैरेट्स होते हैं जो कि पुल किए जाते हैं फ्रॉम गुंडीचा टेम्पल से वहाँ पे एक टेम्पल है, uh, है, है और लाया जाता है जगन्नाथ टेम्पल तक और नौ दिन बाद कैरियट है, है. तो चलते हैं ड्यूरिंग दिस पूरी रात यात्रा ये यूजली जून और जुलाई में होता है कुंभ मेला कुंभ मेला इज बिलीव दैट इट इज द बिगेस्ट गैदरिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द प्लैनेट अर्थ हर तीन साल बाद कुंभ मेला होता है और कुंभ में एक बिलियन लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुंचते हैं तो ये सबसे बड़ी गैदरिंग है पूरी दुनिया के अंदर दिस कुंभ मेला आपने सुना होगा कुंभ के अंदर बिछड़े हुए भाई तो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं नाउ यहाँ पे ये यह ऑलमोस्ट 12 साल के बाद ये साइकिल होता है मतलब तीन साल तीन तीन साल बाद ये होता है लेकिन बारह साल बाद ये फिर से मतलब आप मान सकते हो इसका साइकिल कंप्लीट होता है सेम जगह पे फिर से पहुंच जाता है तो, तो ये चार जगहों पे होता है पहले तीन साल बाद मतलब दूसरी जगह पे फिर तीन साल बाद दूसरी जगह पे फिर उसके तीन साल बाद तीसरी जगह पे इस तरह से बारह साल बाद फिर से पहली जगह पे होगा अब ये 12 साल बाद क्यों होता है क्योंकि इट्स बिल्यूड कि जो बृहस्पति है बृहस्पति कहते हैं जुपिटर को सो जुपिटर 12 साल में अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है इसी को कॉमरेट किया जाता है इंदिस्क मेला Now, ये जो है ये रिवर बैंक ऑफ ये चार रिवर बैंक पे होता है कहाँ कहाँ मतलब पहले साल ये होगा अलाहाबाद में जिसे प्रयागराज कहते हैं वहाँ पे जहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती मिलते हैं कॉन्फ्लुएंस मतलब जहाँ पे वो तीनों रिवर मिलते हैं अलाहाबाद में होगा फिर अः तीन साल बाद ये होगा हरिद्वार में जहाँ पे गंगा है फिर तीन साल बाद नासिक में होगा जहाँ पे गोदावरी है एंड फिर तीन साल बाद उज्जैन में होगा जहाँ पे शिप्रा है और फिर बारह साल कंप्लीट हो गए और फिर उसके बाद फिर से ये आएगा कहां पे अलाहाबाद प्रयागराज में अब ये फेस्टिवल जो है ये बोला जाता है कि ये आदि शंकरा नाम के एक हिंदू फिलासफ़र थे एट सेंचुरी में थे उन्होंने कहा था कि हमें हिंदूज़ को गैदरिंग करनी चाहिए ताकि वहाँ पे जो है लोग फिलोसफिल डिस्कशंस करें वहाँ पे जो है डिबेट्स हों तो हिंदूज की गैदरिंग्स गैदरिंग हो जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो सके उसके लिए आदि शंकरा नाम के एक फिलासफ़र ने ये कुंभ मेला ऑर्गेनाइज करवाया था और आजकल ये बड़ी लेवल पे होता है Then we have one more important festival that is the Sonpur -Mail. Sonpur and it is the the Sonpur Sonpur Mela. Mela and it largest cattle cattle fair fair in Asia. सबसे बड़ा कैटल भी, कैटल मेला तब पे ये पशु पक्षी जो है वो पशु जो है जिन बेचे जाते हैं खरीदे जाते हैं ये सबसे बड़ा मेला है बिहार के अंदर लगता है और ये एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर है ये मोरियन एम्पायर के टाइम से चलता आ रहा है और इस ब्लीव के आ, चंद्रगुप्त मौर्य आई थिंक वो भी इस मेले से अपने घोड़े खरीदा करते थे एंड इट्स आल्सो फेमस फॉर द एलिफेंट मार्केट यहाँ पे एलिफेंट मार्केट भी लगती है एलिफेंट खरीदे जाते हैं बेचे जाते हैं और यहाँ ये यह रिवर गंगा के शोर्स uh, पे ये सेलिब्रेट किया जाता है देन वी हैव द लास्ट वन दैट्स कालाघोड़ा आर्ट फेस्टिवल नाउ कालाघोड़ा बेसिकली एक टाउन है मुंबई के अंदर

इनको बनवाया था बाई नरसिंह वर्मन टू ने बनवाया था जगन्नाथ टेम्पल जो मैं बात कर रहा था पूरी रथ यात्रा जगन्नाथ टेम्पल जो है ये पूरी उड़ीसा के अंदर है इसको किंग अनंत गंगा देवा ने बनवाया था देन वी हैव द थाजुराव ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स चंडेला डायनेस्टी ने बनवाया था छतरपुर मध्य प्रदेश में है अजंता की केव्स इलोरा की केव्स ये दोनों जो है आंध्र महाराष्ट्र के अंदर है देन वी हैव द आगरा फोर्ट इसको मुगल एम्पर अकबर ने बनवाया था आगरा के अंदर है थाउजेंड पिलर्स टेम्पल एक टेम्पल है जो इसको रुद्र रुद्रेश्वर स्वामी टेंपल भी कहते हैं ये तेलंगाना के अंदर है रेड फोर्ट जैसे मैं है ये शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली के अंदर ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था आगरा के अंदर कोनार्क सम टेंपल जहाँ पे कोनार्क डांस फेस्टिवल जो कि बड़ा सबसे बड़ा डांस फेस्टिवल है इंडिया का ये कोनार्क उड़ीसा के अंदर है याद फतेहपुर सीकरी ये अकबर ने बनवाया था आगरा में जामा मस्जिद शाहजहाँ ने दिल्ली में बनवाई थी मेहरानगढ़ फोर्ट जो है जोधपुर राजस्थान में है ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था आगरा में कुतुब मीनार जो है ये दिल्ली के अंदर है मक्का मस्जिद ये भी ये हैदराबाद के अंदर है हवा महल ये जयपुर के अंदर है मोती मस्जिद आगरा के अंदर है मयूस टॉम दिल्ली के अंदर है चार मीनार हैदराबाद के अंदर है एलिफेंटा केव्स ये भी मुंबई के अंदर है लाइक एलोरा एंड अजंता ये तीनों केव्स जो है मुंबई के अंदर है दिलवाड़ा टेम्पल्स माउंट आबू राजस्थान के अंदर है गेट ऑफ इंडिया मुंबई में है इंडिया गेट दिल्ली के अंदर जंतर मंतर दिल्ली के अंदर पुराना किला दिल्ली के अंदर गोल्डन टेम्पल अमृतसर के अंदर है विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के अंदर है हम्पी मोनोमेंट हम्पी कर्नाटका के अंदर है और लोटस टेम्पल दिल्ली के अंदर है अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि इतने सारे कैसे याद रहेंगे इनको हम डिटेल में देखेंगे आपको सारे के सारे याद आएंगे विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन पंजाब के अंदर अमृतसर में वी हैव द गोल्डन टेम्पल दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट है कुतुब मीनार है जामा मस्जिद है हुमायूर टॉम्ब है और लोटस टेम्पल है उत्तर प्रदेश आगरा में ताजमहल है आगरा फोर्ट है और फतेहपुर सीकरी ये तीनों आगरा के अंदर है उत्तर प्रदेश में बिहार के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी है जो कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है राजस्थान के अंदर हवा महल है मेहरानगढ़ फोर्ट है और दिलवाड़ा टेम्पल्स है मध्य प्रदेश में खजुराव के मोनूमेंट हैं उड़ीसा के अंदर जगन्नाथ टेम्पल और कोनाक सन टेम्पल है तेलंगाना के अंदर थाउजेंड प्लेर्स टेम्पल है इसके अलावा चार मीनार भी है वहां पे महाराष्ट्र के अंदर अजंता एलोरा और एल्फेंटा केव्स हैं और गेटवे ऑफ इंडिया भी मुंबई के अंदर है महाराष्ट्र में कर्नाटक के अंदर हम्पी मोन्यूमेंट हैं सेवन पगोड़ा तमिलनाडु के अंदर है सांची के स्टूपा सूपा नहीं इट शुड बी सांची स्टूपा ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है तो ये सारे जो है इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन दैट इज द नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी जिसको उस टाइम पे मगधा हुआ करता था वो रीजन जो था उसको मगधा रीजन कहते हैं आज का बिहार में आता है वो तो दिस इज़ बिलीव टू बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी दुनिया की नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी इसको गुप्ता एम्पायर में आ, के टाइम पे बनाया गया था अराउंड थ्री हंड्रेड तो, के अराउंड बनाया गया था लेकिन फिर बाद में जब मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी ने जब उसके ट्रूप्स ने इसको डिस्ट्रॉय किया था उसके बाद फिर इसको थोड़ा बहुत रेस्टोर भी किया गया था और आज की डेट में ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ पे एक मॉडर्न डे कंटेम्प्रेरी यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है सो यू शुड नो दिस दैट नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के अंदर है ये पहली फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी इंडिया की इसको गुप्ता एम्पायर में बनाया गया था गुप्ता एम्पायर के टाइम पे उन्होंने बनवाया था देन वी सेकंड में पुरी टेम्पल मैंने बताया जगन्नाथ पुरी टेम्पल जो है ये कहा है उड़ीसा में पुरी के अंदर जहाँ से पूरी रथ यात्रा निकलती है जगन्नाथपुरी टेम्पल चाहिए इंपॉर्टेंट हिंदू टेम्पल है डेडिकेटेड टू जगन्नाथ का एक अवतार है जिसको जगन्नाथ कहा जाता है उन्हीं की वहां पे वो मूर्ति है तो उन्हीं को डेडिकेटेड ये टेम्पल है इसको बनाया गया था भाई अनंत वर्मन चौदह गंगा देवा ये एक टेंथ सेंचुरी के किंग थे जो ईस्टर्न गंगा डायनास्टी के थे ये आपको नाम याद रखना है अनंत वर्मन चौदह गंगा देवा पूरी टेम्पल जो है यहाँ से एक एनुअल रथ यात्रा निकलती है जिसे हम पूरी रथ यात्रा कहते हैं जो मैंने बताया था तीन कैरियट्स यहाँ से निकलते हैं बाकी टेम्पल्स में अगर आप देखोगे वहां पे आपको दिखेगा कि वहां पे मूर्तियां होती है वहां पे आइडल्स होते हैं लेकिन यहाँ पे जगन्नाथ जी की वहां पे मूर्ति नहीं है बल्कि एक इमेज है जो कि वुड के ऊपर बनी हुई है और हर 19 साल बाद उसको सेम रेप्लिका से रिप्लेस किया जाता है इट्स वन ऑफ द फोर चार धाम इंडिया में हिंदू के लिए चार धाम है धाम मीन बेसिकली अबोर्ड जहाँ पे घर को आप चार धाम कहते हो तो इंडिया में चार पिलिग्रामे साइड हैं नॉर्थ में है एक साउथ में एक है ईस्ट में एक और वेस्ट में एक है और ये बिलीव किया जाता है कि वो चार धाम जो है अगर इंसान इन चारों जगह पे जाएगा तो उसको मोक्ष मिलेगा salvation, salvation. वो चार धाम ऊपर नॉर्थ में बद्रीनाथ में है दैट्स इन उत्तराखंड द्वारका द्वारका इज इन गुजरात मतलब वेस्ट में है पूरी जो है ईस्ट में है उड़ीसा में और नीचे तमिलनाडु में रामेश्वरम है तो ये चार यहाँ पे चारों जगह पे आपको टेम्पल मिलेंगे इन चार को चार धाम कहते हैं एंड दिस जगन्नाथ पुरी इज वन ऑफ द फोर देन वी धाम्स जो मैंने बताया था सन कोनार्क टेम्पल ऑफ सन टेम्पल ऑफ कोनार्क ये भी उड़ीसा के अंदर है यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है डांस फेस्टिवल ये थर्टीन सेंचुरी में बनाया गया था इसको बनाया था ये भी ईस्टर्न गंगा डायनास्टी ने बनाया था उस टाइम पे जो रूलर थे उनका नाम था नरसिम्हा याद रखना है नरसिम्हा देवा फर्स्ट ने कोनाक टेम्पल को बनाया था इंपॉर्टेंट नाम है याद रखना है ही ऑल्सो बिलोंग टू दिन गंगा डायनास्टी देन डेडिकेटेड टू द हिंदू गॉड सूर्य ये भी आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है याद रख सकते हो तो ये बेसिकली जो कोनाक टेम्पल है ये कैरियट है ये एक रथ है।, है आप नीचे टायर देख सकते हो टायर लगे हुए ये बेसिकली बने हुए हैं ये पत्थर के बने हुए हैं ये एक टेम्पल है दैट्स इन द फॉर्म ऑफ ए कैरियट नीचे टायर भी इसके लगे हुए हैं इसको ब्लैक पगोड़ा कहते हैं एंड जो अभी हमने देखा जगन्नाथ पुरी जो भी उड़ीसा जो उड़ीसा के अंदर है दोनों ये उड़ीसा के अंदर उसको व्हाइट पगोड़ा कहते हैं इसका कलर ब्लैक है इसलिए इसको ब्लैक पगोड़ा कहते हैं और जो व्हाइट व्हाइट कलर का जगन्नाथ पुरी का टेम्पल है उसे व्हाइट पगोड़ा कहते हैं यहाँ इसको नाइनटीन में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था और यहाँ पे चंद्रबागा मेला लगता है हर साल कोनाक टेम्पल के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि जो आपका टेन रुपी नोट होता है उसमें सन की आपको इमेज रिवर्स साइड पे दिखती है यू मस्ट हैव सीन दिस तो इसके बारे में जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है फर्स्ट इज दैट जो कौनार्क सन टेम्पल है ये है उड़ीसा के अंदर सेकेंड थिंग आपको याद रखनी है इसको बनाया था नरसिम्हा देवा वन ने जो की गंगा डायनास्टिक के थे थर्ड की एक कैरियर शेप का बना हुआ है फोर्थ इसको ब्लैक पगोड़ा कहते हैं व्हाइट पगोड़ा कहते हैं जगन्नाथपुरी टेम्पल को और नाइनटीन एटी फोर में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था और ये टेन रुपी नोट के रिवर्स साइड पे आपको मिलेगा हम्पी के मॉनुमेंट कर्नाटक में है कर्नाटक में बेसिकली एक जगह है जिसे हम्पी कहते हैं और हम्पी में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं ये तुंगाभद्रा रिवर है वहां पे तुंगाभद्रा रिवर के पास में एक सिटी हुआ करती थी बहुत पहले की एक सिटी हुआ करती थी बहुत मशहूर सिटी थी एंड इट वॉज ब्लिड उसको विजयनगर भी कहते थे हम्पी विजयनगर कहते थे उसको एंड दैट दैट सेंचुरी के अंदर द द लार्जेस्ट सिटी इन वर्ल्ड दुनिया की सबसे बड़ी सिटी आफ्टर बीजिंग यही मानी जाती थी दैट इज द हम्पी विजयनगर सिटी उसी के अंदर ये हम्पी के मॉनूमेंट आपको देखने को मिलते हैं लेकिन फिर जब मुस्लिम सुल्तान ने विजयनगर एम्पायर को जब हराया तो उसमें जो वो कैपिटल थी उसको कॉन कर किया उसको बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय की गई वहां पे तो अब जो वहां पे बचते हैं कुछ रिवेंस हैं हम्पी के जो आज भी बचे हुए हैं देन वी अजंता अजंता केव्स 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 अब तीन के बारे में हम पढ़ेंगे विल स्टार्ट विद फ्रॉम और इलोरा के भी बारे में पढ़ेंगे अजंता केव्स जो है अजंता केव्स बेसिकली ये बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स हैं जो सबसे पुरानी केव्स में से मानी जाती है इंडिया के अंदर ये सेकेंड सेंचुरी बीसी में बनाई गई थी बेसिकली ये दो शिफ्ट्स में बनाई गई थी कुछ केव्स सेकेंड सेंचुरी में बीसी में बनाई गई थी और कुछ जो है वो 480 सी दैट इज एडी जो है कॉमन है आप कहते हो 480 में कुछ कुشکेव्स बनाई गई थी ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर है केव्स जो है इनके अंदर पेंटिंग्स हैं कुछ रॉक कट स्कल्पचर्स हैं और जो ज्यादातर बुद्धिस्ट रिलीजन के रिलेटेड हैं ये जो है इसको 1983 में वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर किया गया है ये जो है ये पुराने जमाने में जब मानसून में बारिश हुआ करती थी जो मंक्स हुआ करते थे वो इन्हीं केव्स में जाते थे और वो वहीं पे प्रेयर किया करते थे केव्स ऑफ अजंता जो है ये लार्जेस्ट कॉर्पस है ऑफ द सर्वाइविंग एंशेंट इंडियन वॉल पेंटिंग जो पुरानी एंशंट इंडियन वॉल पेंटिंग है उनकी सबसे बड़ी कॉर्पस आपको अजंता केव्स में दिखेगी देन धनविद एल्फेंटा केव्स एल्फेंटा केव्स भी है मुंबई के अंदर महाराष्ट्र के अंदर वहां एक

पोर्टुग एल्फेंट Elfant, को एल्फेंटा कहते हैं और वहां पे जब वो गए थे तो उनको वहां यूनेस्को एल्फेंट हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया थर्ड जो इंपॉर्टेंट केव है केव ये भी महाराष्ट्र के अंदर है एंड सेम ये औरंगाबाद के अंदर है जहां पे आपको अजंता की केव्स मिलेंगी ये चरण चरनादरी हिल्स के ऊपर है महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पे भी आपको हिंदू बुद्धिस्ट और जैन तीनों के मोनोमेंट्स मिलेंगे और ये 600 टू 1000 थाउजेंड कॉमन है मतलब सेवन सेंचुरी से लेके इलेवंथ या टेंथ सेंचुरी तक ये बनाई गई थी इसमें आपको लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक रॉक एक्सकेवेशन दुनिया की मिलेगी जिसके अंदर एक टेम्पल है जो एक एक ही पत्थर से काटा काट करके बनाया गया है इसमें सो टोटल हंड्रेड केव्स हैं और इसको बनाया गया था जूरिंग द पीरियड ऑफ राष्ट्रकुटा डायनास्टी के टाइम पे इसको बनाया गया था राष्ट्रकुटा डायनास्टी ने इन्होंने वहां पे हिंदू और बुद्धिस्ट केव्स बनाई थी और फिर यादव डायनास्टी ने वहां पे जे एन केवज बनाई थी तो इसमें इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि ये कहाँ है इट्स इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र अब बनाई गई थी 600 से लेके 1000 कॉमन एरा तक और इंपॉर्टेंट है कि इसको दो फेजेस में बनाया गया था इसमें जो बुद्धिस्ट और हिंदू केव्स है उनको राष्ट्रकूटा डायनास्टी ने बनाया था और जो जैन केव्स है उनको यादवर डायनास्टी ने बनवाया था देन मूव ऑन टू द आगरा फोर्ट नाउ आगरा फोर्ट बेसिकली मुगल्स जो थे मुगल्स 1638 तक जो कैपिटल हुआ करती थी मुगल एम्पायर की वो आगरा में हुआ करती थी तो आगरा फोर्ट उनकी मेन रेसिडेंस हुआ करती थी लेकिन फिर सिक्सटीन में जो कैपिटल है वो शिफ्ट हुई टू तो डेली 1983 में इसको डिक्लेयर किया गया एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो बेसिकली जो पहले पहले जो फर्स्ट इंडिया की जो मॉनुमेंट है जिनको डिक्लेयर किया गया था एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डेटाउस नाइनटीन इन थ्री उसमें आपकी आगरा फोर्ट आएंगे उसमें आपको ताजमहल एटसेट्रा आएंगे जिनको आपको याद रखना है डेट आपको इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता पूछेंगे बट मे बी अगर पूछे तो डेट भी आप याद रख सकते हो ये ताजमहल के पास में ही है वहां से दो ढाई किलोमीटर दूर है और ये जो है बेसिकली अगर इसके ओरिजिन या इसको किसने बनाया था इतना ये पता नहीं है उतना ये पता नहीं है लेकिन ये बताया जाता है कि फिफ्टीन सेंचुरी में जो चौहान राजपूत है उन्होंने इसको ऑक्यूपाई किया था फिर जब आगरा को कैपिटल का स्टेटस दिया सिकंदर लोधी ने दिल्ली से कैपिटल लेके आ गए आ, आगरा तो उन्होंने फिर वहां पे और कुछ बिल्डिंग्स बनाई इस फोर्ट के अराउंड लेकिन फिर बैटल ऑफ पानीपत में जब मुगल्स ने इसको फिर से कैप्चर किया तो फिर ये फोर्ट उनके अंडर आ गया और तो जो है आज की जो इसकी एक अपियरेंस है वो इसको मुगल एम्पर अकबर ने दी थी देन वे फतेहपुर सिकरी ना फतेहपुर सिकरी भी आगरा के ही अंदर आता है बेसिकली वहां पे खान का हुआ करती थी एक सेंट थे एक सूफी सेंट थे उनका नाम था शेख सलीम चिश्ती तो जो अकबर थे उनको इन इन्होंने जो ये शेख सलीम सलीम चिश्ती थी उन्होंने उनको खबर दी थी कि खबर बेसिकली उनको प्रेडिक्ट किया था कि उनको बेटा होने वाला है जो कि जहांगीर थे तो जब जहांगीर जा, पैदा हुए तो बाद में वो वही सीकरी में ही पैदा हुए थे सीकरी एक जगह है आगरा के अंदर वो वहीं पर पैदा हुए थे तो जहांगीर का जब सेकंड बर्थडे था तो वहां पे एक सीकरी के अंदर एक वॉल्डी बनाई गई एक पैलेस बनाया गया अकबर बादशाह ने बनवाया था तो इस इसी को फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना गया फतेह फतेह विक्ट्री को कहते हैं तो फतेहपुर सीकरी मीन सिटी ऑफ विक्ट्री आफ्टर जब गुजरात की विक्ट्री गुजरात की कैंपेन में अकबर ने विक्ट्री हासिल की थी फतेहपुर सीकरी को 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम दिया गया था मे बी अगर आपको कल को पूछा जाए कि विच आर द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स वाज बिल्ट बाय अकबर टू द बर्थ ऑफ हिस सन तो यू शुड नो दैट फतेहपुर कहते हैं इसको बनवाया था 1638 में। जब मैंने बताया आपको कि आगरा से 1638 में जो कैपिटल है वो शिफ्ट हुई टू तो दिल्ली तो अब वहां पे तो आगरा फोर्ट था तो दिल्ली में उन्होंने फोर्ट बनाना स्टार्ट किया दैट इज दिस रेड फोर्ट 1638 के अंदर ही इसको जो आर्किटेक्ट थे जो चीफ आर्किटेक्ट थे उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी उस्ताद अहमद लाहौरी ने ही जो ताजमहल का आर्किटेक्चर है वो इन्होंने ही दिया था तो दोनों चाहे रेड फोर्ट या फिर ताजमहल हो दोनों को उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनवाया था नाइनटीन में जब रिवोल्ट हुआ तो उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे बहुत सारे मार्बल के स्ट्रक्चर्स तोड़ दिए थे तो फिर बाहर के जो ये दीवारें हैं बस यही बची थी और इसको एज फोर्ट्रेस यूज एज गैरसन यूज किया जाता था अगस्त 1947 को जब इंडिया आजाद हुआ तो पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पे लाहौरी गेट पे इंडिया का झंडा लहराया था और फिर से तब से ये सेम प्रोसेस चलता रहा हर रिपब्लिक हर इंडिपेंडेंस डे पे यहाँ पे झंडा लहराया जाता है रेड फोर्ट को 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया ताजमहल ताजमहल को ने बनवाया ताजमहल का मतलब होता ताजमहल मतलब मतलब so, ताज को कहते हैं मकबरा है, मतलब है जो कि आगरा के अंदर यमुना के किनारे बना हुआ है इसको शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज महल के लिए बनवाया था और दोनों मुमताज महल और शाहजहां दोनों इसी के अंदर दफन है इसको 1632 में बनवाने का उसने ऐलान किया था अब ये सिक्सटीन फोर्टी थ्री तक तैयार हो गया था दस साल इसको लगे थे ऑलमोस्ट बीस हजार लगे थे और इसका जो आर्किटेक्ट था वो उस्ताद अहमद लाहौरी जिन्होंने रेड फोर्ट का आर्किटेक्चर दिया था दोनों को इसी ने बनवाया था देन ताजमहल की अगर बात करेंगे तो नाइनटीन में ही इसको वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया एंड इट वाज कॉल्ड एज द जूल ऑफ मुस्लिम आर्ट इन इंडिया एंड वन ऑफ द यूनिवर्सली एडमायर्ड मास्टर पीसेस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज जामा मस्जिद ना जामा मस्जिद इसको मस्जिद जहां नुमा भी कहते हैं ये जामा मस्जिद आपको पता होगा दिल्ली के अंदर है इसको बनाया था शाहजहां ने बिटवीन 1650 एंड 1656 एंड इसके जो पहले इमाम थे उनका नाम था सईद अब्दुल गफूर शाह बुखारी वो उसके पहले इमाम थे ये मुगल उस टाइम पे शाहजहाबाद जो दिल्ली है आज वही कैपिटल हुआ करती थी मुगल्स की तो वहीं पे ये इंपीरियल मॉस्क उन्होंने बनवाई थी कुतुब मीनार ये भी दिल्ली के अंदर है ये वहाँ पे जो उसके अराउंड जो कॉम्प्लेक्स है उसको कुतुब कॉम्प्लेक्स कहते हैं उसके अंदर ये एक मीनारेट है एक मीनार है दैट्स कॉल्ड द कुतुब मीनार ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये वहाँ पे बेसिकली वहाँ पे का, लाल कोट एक वॉल्ड सिटी हुआ करती थी एक सिटी हुआ करती थी उसके रिवन्स बचे थे उसका नाम था लाल कोट तो उसी के अंदर ये कुतुब मीनार बनवाया गया था तो कुतुब मीनार बेसिकली वहाँ पे एक मस्जिद हुआ करती थी कौतुल इस्लाम मौसिक उसी के पास में ये बनवाया गया था और ये 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी जो दिल्ली के पहले सुल्तान थे तो इसका नाम कुतुब मीनार क्यों पड़ा ये इसलिए भी कहते हैं क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये चूंकि बनवाई थी लेकिन ये इसलिए भी कहते हैं कि जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहम एक बहुत ही बड़े सूफी सेंट थे 13 सेंचुरी के एक बहुत बड़े सूफी सेंट थे और जो शम शमसुद्दीन अल्तमश के जो इसी के जो दिल्ली के सुल्तान थे तो उन्हीं के नाम पे शमसुद्दीन अल्तमश ने इसका नाम कुतुब मीनार रखा था जनम या द हमायुड मतलब हुमायूं का मकबरा ये भी दिल्ली के अंदर है ये हाँ, मुगल एम्परर हुमायूं का मकबरा है ये उनकी वाइफ ने बनवाया था जिनका नाम था हमीदा बानो बेगम जिसको जिनको मरियम मकानी के नाम से भी जाना जाता है फिफ्टी फिफ्टी एट में यह बनवाया था इसको डिजाइन किया गया था बाय मीराक मिर्जा गयास मीराक मिर्जा गयास और उनके बेटे थे सैयद मोहम्मद और कुछ पर्सिये आर्किटेक्ट थे उन्होंने ये बनवाया था ये टॉम जो है नाइनटीन नाइनटी थ्री में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में लाया गया था इंडिया गेट इंडिया गेट बेसिकली एक वॉर मेमोरियल है ये आ, इसको ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल भी कहा जाता है तो ये राजपथ के पास में है राजपथ इज द रोड जो कि आपको दिखता है दिल्ली के अंदर है जहाँ पे पार्लियामेंट और जो प्रेसिडेंशियल हाउस है वो सारी चीजें वो सारे बिल्डिंग्स आपको यहीं पे मिलेंगी इसी रोड पे तो यहीं पे ये इंडिया गेट है इंडिया गेट बेसिकली इट स्टैंड एज ए मेमोरियल जो नाइनटी थाउजेंड सोल्जर्स वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या फिर एंग्लो अफगान वार में जो मारे गए थे उनकी याद में ये इंडिया गेट बनवाया गया था इसमें तेरह हजार तीन सौ सर्विसमैन का नाम रखा गया लिखा गया है इसके ऊपर जिसमें से कुछ सोल्जर्स इंडियन सोल्जर्स थे और कुछ ऑफिसर्स यूके के थे उनका नाम इस इंडिया गेट पे लिखा हुआ है इसको डिजाइन किया गया था बाइस सर एडविन ये इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है जो इसका स्ट्रक्चर है वहां पे आपको एक अमर जवान ज्योति भी दिखती है अमर जवान ज्योति बेसिकली यहाँ पे जलने वाली एक फ्लेम है और यहाँ पे एक राइफल है उल्टी राइफल है उसके ऊपर एक जवान की हेलमेट है, कॉमर जवान ज्योति कहते हैं एंड दिस सिंबलाइज ये तब से जलती आ रही है ये फ्लेम एंड दिस सिम्बोलाइज एन अनोन सोल्जर जो कि यहाँ पे उसी की याद में इसको रखा गया है इंडिया गेट जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉर मेमोरियल्स है और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है हर रिपब्लिक डे या फिर इंडिपेंडेंस डे पे यहाँ पे जाते हैं लेकिन रिसेंटली अभी ट्वेंटी सेकेंड जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी को अमर जवान ज्योति की जो फ्लेम है यहाँ पे उसको मर्ज किया गया विद द नेशनल वॉर मेमोरियल तो so, नेशनल वॉर मेमोरियल नया बनाया गया इस फ्लेम को अब बुझाया गया और बेसिकली आप वो बोलते हैं कि इसको मर्ज किया हमने नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ धन्यवाद जंतर मंतर जंतर मंतर बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट है सनडाइल का नाम आपने सुना होगा पुराने जमाने में टाइम को मेजर करने के लिए सनडाइल्स हुआ करती थी तो उसी के लिए अलग अलग पांच जंतर मंत्र बनाए गए थे तो ये जो है ये एस्ट्रोनॉमिकल ये कोई छोटी सी बिल्डिंग नहीं आए ये बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल यहाँ पे बिल्डिंग है इससे आप टाइम का अंदाजा लगा सकते हो जो जो जा, जानता होगा इसके बारे में वो टू सेकंड्स की एक्यूरेसी तक इससे टाइम का अंदाजा लगा सकता है कि टाइम कितना आया है पांच जंतर मंतर बनाए गए थे और इनको बनाया गया था बाय राजा जय सिंह सेकेंड चार अभी भी हैं उनमें से एक जो है वो 1857 में जब रिवोल्ट हुआ था मथुरा के अंदर जो था उसको तोड़ दिया गया था तो अब जो है अब सिर्फ चार बचे हुए हैं और जैसे मैंने बताया जो सिकल्ड ऑब्जर्वर होगा वो टू सेकेंड्स की एक्यूरेसी तक दिन का टाइम बचा बता सकता है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोन सनडाइल है पत्थर से बना हुआ सबसे बड़ा सनडाइल है दुनिया का और इसको हम विराट सम्राट यंत्र कहते हैं जयपुर का जंतर मंतर याद रखना है टोटल चार हैं दिल्ली के अंदर भी है जयपुर के अंदर भी है लेकिन जो जयपुर का जंतर मंतर है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है हैव द इंपॉर्टेंट लोटस टेम्पल लोटस टेम्पल जो है बेसिकली ये आपको पता नहीं होगा शायद बट इट बिलोंग्स टू द बहाई फेथ अब एक रिलीजन सेंचुरी में बना हुआ एक रिलीजन है उसी का ये एक टेम्पल है उनके अलग अलग टेम्पल है वर्ल्ड में और यहाँ पे इनका एक टेम्पल है इंडिया के अंदर जिसको दिसंबर 1986 में बनाया था ये दिल्ली के अंदर है ये बिलीव करते हैं कि यहाँ पे कोई भी आ सकता है इट्स ओपन फॉर ऑल द रिलीजन्स एंड इसमें टोटल ट्वेंटी सेवन पेटल्स लगे हुए हैं आप देख सकते हैं ये एक है ये दो है तीन है जैसे फूल की जो पत्तियां होती हैं वैसे ही यहाँ पे टोटल ट्वेंटी सेवन पत्तियां जैसे लगी हुई हैं और ये लोटस की शेप में इन्होंने बनाया हुआ है जन्म याद पुराना किला दिल्ली के अंदर और एक पुराना किला है बहुत ही पुराना और इट्स ब्लू टू बी ओल्डेस्ट फोर्ट्स इन दिल्ली ये थर्ड सेंचुरी बीसी तक के यहाँ पे ट्रेसेस मिले हुए हैं तो मौर्यन एम्पायर से पहले भी यहाँ पे ये फोर्ट हुआ करता था जन्मयाद थाउजेंड पिलर टेम्पल ये तेलंगाना के अंदर है याद रखना है इसको रुदेश्वरा स्वामी टेम्पल भी कहते हैं ये लॉर्ड शुआ विष्णु और सूर्या को डेडिकेटेड टेम्पल है ये थाउजेंड टेम्पल थाउजेंड पिलर टेम्पल जो है इसमें आपको ये ऐसे प्लस दिखेंगे इस इसको विद टेंपल, लिस्ट में डाला गया था हेरिटेज साइट लेकिन 2021 में रिसेंटली जुलाई में जो रामप्पा टेम्पल है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया तो ये जो है थाउजेंड पिलर टेम्पल ये अभी सिर्फ टेंटेटिव लिस्ट में है लेकिन उनमें से सिर्फ रिसेंटली 2021 में रामप्पा टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया तो इंडिया में रिसेंट आज फोर्टी है टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स तो 2021 में दो ऐड हुई थी तो टोटल बनी थी फोर्टी तो जो दो ऐड हुई थी उनमें एक रामप्पा अपा टेम्पल थी था खजूरा मोनोमेंट्स खजुराव मोनोमेंट्स ये खजुराव के अंदर है जो कि है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के अंदर तो ये हिंदू और जैन टेम्पल्स हैं यहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे मध्य प्रदेश में ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आते हैं और ये नगारा आर्किटेक्चरल स्टाइल पे बनाए गए टेम्पल्स है यहाँ पे आपको इरोटिक स्कल्पचर्स भी देखने को मिलेंगे जो कि बहुत सारी टेम्पल्स में इंडिया में पाए जाते हैं ज्यादातर खजुराव के टेम्पल जो हैं वो 1855 एडी 1885 एडी से लेके 1050 एडी तक चंदेला डायनेस्टी ने बनाए थे तो याद रखना है कि खजुरावट के जो मोन्यमेंट्स उनको चंदेला डायनेस्टी ने बनवाया था अगर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड uh, की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 85 फाइव टेम्पल्स हुआ करते थे ट्वेल्थ सेंचुरी में लेकिन आप सिर्फ ट्वेंटी फाइव टेम्पल ही बचे हैं देन सांची मध्य प्रदेश में ही है और एक जैसे हम सांची स्टूपा कहते हैं ये एक बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टून स्ट्रक्चर है इंडिया का द, ये एक बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है ये आपको याद रखना है और ये बनाया था बाय द मोरियन एम्पायर अशोका द ग्रेट थर्ड सेंचुरी बीसी के अंदर इसको अशोका द ग्रेट ने बनवाया था हेयर एट सांची है मध्य प्रदेश यहाँ पे आपको एक हेमिसफेयर हेमिस्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर दिखेगा ये जो एक हेमिसफेयर की शेप का एक यहाँ पे ब्रिक्स का बना हुआ ये स्ट्रक्चर है जो इसके नीचे आपको दिखेगा इसके अंदर बुद्ध बुधा के कुछ रेलिक्स हैं कुछ तबरुकात हैं जो इसके अंदर आपको मिलेंगे तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जो ये सांची है इसको अशोका ने बनवाया था अशोका की बेसिकली जो वेडिंग है वो यही सांची में हुई थी और इम्पोर्टेंट है कि सांची के जो स्टूपा है वो आपको टू हंड्रेड रुपी के करेंसी के नोट पे मिलते हैं ये आपको याद रखना है आगे हम देखेंगे कि कौन से नोट पे कौन सा आपको दिखता है देन मेहरानगढ़गढ़ फोर्ट फोर्ट राजस्थान के अंदर है जोधपुर में एंड ये राजपूत रूलर थे वहां के जिनका नाम था राव जोधा उन्होंने 1459 में बनवाया था यहाँ पे सात गेट्स हैं ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है उतना एंड

बात तब तभी था तो जो पर्दा सिस्टम है उसकी वजह से अगर उनको बाहर की फेस्टिवल या बाहर रोड की तरफ देखना होता था तो वो यहाँ जरोके पे आके वो देखती थी क्योंकि यहाँ पे हनी कम स्टाइल में ये विंडोज बनी हुई है तो बाहर वाले को अंदर का दिखता नहीं था लेकिन उनको बाहर का सब कुछ देख जाता था देन धन्यवाद दिलवाड़ा और दिलवाड़ा टेम्पल्स ये भी राजस्थान के अंदर है और ये या याद रखना है ये जैन एन टेम्पल्स है जो माउंट आबू के अंदर है माउंट आबू राजस्थान के अंदर है इनको बनाया था विमल शाह ने एंड ये इलेवेंथ से लेकर सिक्सटीन सेंचुरी तक बनवाए गए थे गया था चार मोहम्मद चार मतलब कुली कुतुब शाह ने जो कि कुतुब शाही डायस्टी के पांचवे किंग थे इसको तेलंगाना स्टेट का स्टेट एम्बलम भी माना गया है तो इस इट बीन इनकॉर्पोरेटेड एज द एम्बल ऑफ तेलंगाना स्टेट चार मीनार जो है ये मूसी रिवर के किनारे पे है तो यू कैन राइट इन द कॉमेंट की मूसी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है तो याद रखना है दैट चार मीनार इज ऑन द ऑफ मूसी रिवर इसके पास में ही मक्का मस्जिद भी है देन वी गेट वे ऑफ इंडिया गेट वे ऑफ इंडिया जो है ये मुंबई के अंदर है एंड ये जो है ये 1913 में बनवाया गया था मुंबई के अंदर ये ब्रिटिशर्स ने बनवाया था टू कमेमोरेट द लैंडिंग ऑफ किंग एम्पर जॉर्ज फाइव जो पहले ब्रिटिश मोनार्क इंडिया आए थे उनका नाम था किंग जॉर्ज फाइव में आए थे इंडिया तो उसी की याद में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे ये गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया था मुंबई के अंदर तो यहाँ पे इसका जो डिजाइन या जो इसके आर्किटेक्ट थे उनका नाम जॉर्ज विटेट था उन्होंने 1914 में इसको सेंक्शन किया था और इसकी कंप्लीशन 1924 में हुई थी तो तब से इसको एक सिंबल माना जाता है या इसको सिंबॉलिक ियल एंट्रेंस टू इंडिया किया जाता है तो जब भी कॉलोनियल पीरियड में जो बड़े बड़े ऑफिसर्स जो ब्रिटिशर्स शेर, ब्रिट के थे जब वो आते थे तो समंदर के रास्ते आते थे मुंबई में वो लैंड करते थे तो उनको यहीं से एंटर करवाया जाता था दैट्स इट्स कॉल्ड डेट्स गेट वे ऑफ इंडिया इसके अलावा जब 1948 में ब्रिटिश ट्रूप यहाँ से चले गए तो लास्ट जो ट्रूप है वो यहीं से चले गए थे तो इसकी बहुत सिग्निफिकेंस रही है इंडिया की हिस्ट्री के अंदर देन गोल्डन टेम्पल आपको पता ये अमृतसर के अंदर है एंड इट्स इट्सो हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब ये पंजाब के अंदर है एंड ये जो है इसके अंदर आपको यहाँ पे एक पूल दिखेगा नीचे आपको एक तालाब दिखेगा जिसको मिल्क ओशन कहा जाता है जो मिल्क ओशन को रिप्रेजेंट करता है एंड इसको बनवाया था फोर्थ गुरु गुरु रामदास जी ने फिफ्टीन में अब सिक्सटीन फोर में गुरु अर्जन देव जी ने एक आदि ग्रंथ की कॉपी रखी थी यहाँ हरमिंदर साहिब में बीच में महाराजा रंजीत सिंह ने यहाँ पे इसके ऊपर तांबे और मार्बल का यहाँ पे बीच में बनवाया था ये इसको कहते हैं और फिर गोल्ड लीफ से इसकी कवरिंग कराई थी इसको गोल्डन नेपल कहा जाता है 1980's में ये गुरुद्वारा जो है इसमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बेसिकली और आपको थोड़ा पता होगा पंजाब में जो इंसर्जेंसी हुई थी जनरल सिंह बिंद्रा वाले जी जो थे वो उन्होंने उस टाइम पे यहीं पे वो थे तो जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था इंदिरा गांधी ने तो यहाँ पे इसको भी बहुत नुकसान पहुंचा था और बहुत सारे लोग यहाँ पे मरे गए थे तो इसको हम अकाल तख्त कहते हैं ये जो बीच में है जहाँ पे आदि ग्रंथ रखी हुई है तो इसी अकाल तख्त के ऊपर आपको गोल्ड लिफ्स की कवरिंग दिखेगी तो ये गोल्डन कलर का है गोल्डन देन वी हैव द विक्टोरिया मेमोरियल विक्टोरिया मेमोरियल वेस्ट बंगाल के अंदर है ये एक मार्बल की बनी हुई एक बिल्डिंग है जिसको 1906 में बनवाया गया था ये एम्पेर विक्टोरिया एम्प्रेस विक्टोरिया के याद में बनवाया गया था एंड इट इज द लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड विच इज डेडिकेटेड टू ए रॉयल अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे है याद रखना है कि जो दस रुपए का नोट होता है एज यू कैन सी हेयर इसके ऊपर आपको सन टेम्पल कोनाक का जो सन टेम्पल है वो बना हुआ दिखेगा जो ट्वेंटी रुपी यहाँ पे नहीं है ट्वेंटी रुपी के अंदर आपको उसके पीछे आपको एलोरा केव औरंगाबाद महाराष्ट्र में है वो दिखेंगी फिफ्टी रुपी नोट यू कैन सी हेयर यहाँ पे आपको स्टोन कैरियट हम्पी में जो मैंने आपको मॉन्यूमेंट दिखाए थे हम्पी में जो मोन्यूमेंट्स है उनमें एक स्टोन पत्थर का बना हुआ एक कैरियट है जो कि कर्नाटका के अंदर है वो आपको पचास रुपए के नोट पे मिलेगा सौ रुपए का नोट सी हेयर यहाँ पे आपको रानी की वाव दिखेगी रानी की वाव गुजरात में कुछ वेल्स हुआ करते थे पुराने जमाने में उनमें सीढ़ियां लगी होती थी ऐसे 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 और बहुत नीचे जाते हुए फिर नीचे कुआं होता था उसको रानी की वाव कहते हैं वो यहाँ पे सौ रुपए के नोट पे आपको दिखेगा सांची के स्टूप आपके दो, दो सौ के नोट पे यहाँ दिख रहे हैं फाइव हंड्रेड के नोट पे आपको रेड फोर्ट एंड टू थाउजेंड के नोट पे आपको मंगलयान दिखेगा आर ऑल द थिंग्स जो आपको याद रखनी है आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है तो अगर मैं रिपीट करूँ सारी चीजों को तो पंजाब के अंदर वी गोल्डन दिल्ली के अंदर रेड फोर्ट है कुतुब मीनार है है जामा मस्जिद टॉम्ब और लोटस टेम्पल है उत्तर प्रदेश के अंदर ताजमहल आगरा फोर्ट एंड फतेहपुर सीकरी है बिहार के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी है जयपुर के अंदर हवा महल महारानगंज फोर्ट और दिलवारा टेम्पल हैं मध्य प्रदेश के अंदर खजूराउट मॉनुमेंट हैं उड़ीसा के अंदर जगन्नाथ टेम्पल और कोनाक सन टेम्पल है तेलंगाना के अंदर थाउजेंड पिलोर्स टेम्पल है इसके अलावा चार मीनार है तेलंगाना के अंदर मुंबई के अंदर वी हैव अजंता केव्स, केव केव्स और इसके अलावा गेट ऑफ इंडिया भी वहीं पे है कर्नाटक के अंदर वी हैव हम्पी मोनोमेंट्स तमिलनाडु के अंदर वी हैव द सेवन पगोडाज महाबलेश्वरपुरम के अंदर जो है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है जिनके बारे में आपको पता होनी चाहिए नाउ विल मो वट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे इन अ फ्यू मिनट्स यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दट इज यूनेस्को वर्ल्ड की कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेज जिनकी कल्चरल या नेचुरल इंपॉर्टेंस होगी उनको आइडेंटिफाई करती है एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये उन्होंने एक कन्वेंशन बनाया था इन नाइनटीन जिसको नाम रखा गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन और ये हर साल मीटिंग करते हैं और हर साल मीटिंग करने के बाद ये कुछ नए नए इसमें एड करते जाते हैं Now, यहाँ पे एक्सेप्ट किया इस कॉन्वेंशन को और इलिजिबल हो गया in आगरा फोर्ट और ताजमहल इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया ये पहली चार थी इनको नाइनटीन एटी में रिकॉगनाइज किया गया फिर तो इसके बाद धीरे धीरे और एड होती गई और आज की डेट में वी हैव हाँ फोर्टी 2021 में रामप्पा टेंपल तेलंगाना और धोलावीरा एक हरपन सिटी है जो कि गुजरात के अंदर है इन दो को ऐड किया गया दीज टू बिकेम द लेटेस्ट वंस जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में डाला गया तो आज की डेट में वी हैव फोर्टी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है फाइव जिसमें आपके अजंता केव्स हैं एलोरा केव्स हैं और इसके अलावा भी आपको और दिखेंगे टोटल 40 में से 32 कल्चरल है सेवन नेचुरल है जिसमें आप देखोगे आगे एंड वन उसमें मिक्सड है मतलब उसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है और नेचुरल इंपॉर्टेंस भी है इसमें अगर आप देखोगे अजंता की केव्स हैं एलोरा की केव्स हैं आगरा फोर्ट है ताजमहल सन टेंपल ऑफ कोनार्क महाबलीपुरम के जो मोनोमेंट्स हैं बाजीरंगा नेशनल पार्क जो है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोलाड़ा नेशनल पार्क राजस्थान चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा खुजुरॉ ग्रुप ऑफ मोनोमेंट्स मध्य प्रदेश ग्रुप ऑफ मोनोमेंट्स हम्पी कर्नाटका फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, पट्ट कल कर्नाटक एलिफेट केवज महाराष्ट्र गेट लिविंग चोला टेम्पल्स ये तमिलनाडु के अंदर है सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर है बुद्धिस्ट मॉनुमेंट सांची ये मध्य प्रदेश में है अमयूर दिल्ली में है कुतुब मीनार ये दिल्ली के अंदर है माउंटेन रेलवेज अगर आपको ट्रांसपोर्ट का लेक्चर आ दूंगा मैंने आपको बताया था कि जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज हैं जो वेस्ट बंगाल में है नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो ऊटी तमिलनाडु में है और जो कालका शिमला रेलवे है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर ये तीन जो हैं इनको रिक्नाइज किया है the, the complex, गया है एज द इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसके अलावा वी हैव द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोधगया के अंदर बिहार में है रॉक शेल्टर्स जो भीम बेगता के अंदर है महा मध्य प्रदेश में और मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है वो भी महाराष्ट्र के अंदर है और वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है इसके अलावा वी हैव द चंपा पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क ये गुजरात में है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स है जंतर मंतर है वेस्टर्न गार्ड्स तमिलनाडु कर्नाटक महाराष्ट्र में है ये भी आते हैं इसमें हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान रानी की वाव जो मैंने बताया स्टेप वेल है जो आपको गुजरात में मिलेंगे देन वी हैव द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा एट नालंदा बिहार वो भी है कंचनजोंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले और चंडीगढ़ के अंदर है हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद अहमदाबाद सिटी भी है इसके अलावा द विक्टोरियन एंड द आर्ट डेको एंड ऑफ मुंबई महाराष्ट्र ये भी है जयपुर इसके अलावा काकाटिया रुदेश्वरा जिसे रामापा अपा टेम्पल कहते हैं तेलंगाना में है और डोलावेरा ये खरापन सिटी है इन दो को ये गुजरात में है ये दो जो है ये रिसेंटली ट्वेंटी ट्वेंटी वन में एड हुई थी इनके आपको सबको नाम याद नहीं रखने क्योंकि ये उतने पूछे नहीं जाएंगे बट एटलीस्ट यू शुड बी एक्वेंटेड कि ऐसी कौन कौन सी जगह है तो जैसे मैंने बताया कि 2021 में दो ऐड हुई वन इज द दकातिया और जिसे रमोप्पा टेंपल भी कहते हैं जो तेलंगाना में है एंड डोलावीरा जो एक हरप्पन सिटी है जो गुजरात के अंदर है आई डिड नॉट नो कि इतना लंबा जाएगा बट मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हुआ हूँ आई डोंट नो कि मैं लास्ट के मोमेंट्स में कैसे इसको स्ट्रेच कर पाया बट आई होप कि आपको इसमें बहुत सारी चीजें हेल्पफुल रहेंगी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो सी इन द नेक्स्ट वन टिल देन बाय बाय